आप बुला लीजिए। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस स्टूडेंट्स, इट इज ऑफ नो सीक्रेट दैट टू गेट बेटर एट समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस। सिंपल सा मतलब है दोस्तों, आप हजारों बुक्स पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स लगा सकते हैं, गाइड्स का सहारा ले सकते हैं, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं करोगे। दोस्तों, अगर मैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं तो इसमें मेजरली आपके चार सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जीएस। और अगर आप इनमें पकड़ बनाना चाहते हो तो सिंपली आप प्ले स्टोर में जाके गैलेक्सी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे डेली अपडेटेड क्विज से इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपली आपको क्विज सेक्शन पे जाके हमारे क्विज को अटेम्प्ट करना है। यहाँ आपको वेरियस सेक्शन के क्विज दिखाई दे रहे होंगे, आप जो भी क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप सिंपली स्टार्ट का बटन दबा के उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको एक टाइमर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिखाई दे रहे होंगे। इस सिंपली यू हैव टू स्क्रॉल एंड मार्क द राइट आंसर, एंड आफ्टर मार्किंग ईच एंड एवरी questions, you have to submit the test. और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आप इस टेस्ट को सबमिट करोगे तो आपको पूरा एनालिसिस, अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस और आपकी जो ग्रोथ एनालिसिस है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा। थैंक्स स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गैलेक्सी क्लासेस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी और ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत के साथ तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि हर हफ्ते हम लोगों ने एक आपके पास मॉक टेस्ट, ओपन मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था, जिसमें एक डिस्कशन हम लोग करा चुके हैं। लास्ट 20th ऑफ सितंबर को जो मॉक टेस्ट हुआ सेकंड नंबर का, उसको हम लोग आज की डेट में डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? वहां जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के सामने हम उनका सभी का प्रॉपर एक डिस्कशन आपके साथ रखेंगे, राइट? डिस्कशन के साथ साथ मुझे ये भी कहना है आपको कि आप अपने हिसाब से जो आपने आंसर लगाया होगा, उम्मीद करता हूं हो सकता है वो सही भी होगा, और अगर सही नहीं भी है तो भी हम उसको देखेंगे कि फिर गलत क्यों है, कैसे करना है ये बताने का तो टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं और विद इन वन आवर मुझे ये कंप्लीट करने हैं सारे, राइट? लेकिन मैं कोशिश करूंगा जहां हो सकता है शॉर्टकट में कोई चीज बताई जा सकती है तो मैं आपके सामने उसको भी रखने की कोशिश करूंगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं देखता हूं कौन कौन जुड़ चुके हैं, हालांकि काफी लोग यहां पर
पहले से भी इंतजार में रहते होंगे कि सर का डिस्कशन जो प्रॉपर रहेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जो हमेशा करता हूं स्टार्टिंग में, कि प्लीज फटाफट पहले वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और ताकि और भी लोग यहां पे जुड़ सकें और आपको और भी ज्यादा, जो लोग इसी टाइम पर इसको शायद अटेम्प्ट कर रहे हों, परहैप्स दे आर डूइंग द सेम थिंग एट द सेम टाइम, सो आई वॉन्ट टू टेक योर ओन डिस्कशन एज वेल एज इफ यू वॉन्ट टू गेट वॉट, कि आपके पास जो आपने डिस्कशन करा हुआ है उसका क्या इंडिकेशन है, क्या सही है, क्या गलत है, पूरे डिस्कशन के साथ हम यहां पर आपसे बात करने जा रहे हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दिया जाए प्लीज। 1 to 5 यहां पर आपके सामने, 1 to 5 तक आलोक जी, अमृता, सुधीश, अजय, वेरी गुड इवनिंग डियर, फटाफट वीडियो को शेयर भी करेंगे फेसबुक और व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब पे, जितने लोग भी देख रहे हैं इसको फटाफट से वीडियो को पहले शेयर कर देंगे, राइट। अब करना यह है कि जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे सामने है आप उसको देख सकते हो, राइट। पहला इंस्ट्रक्शन जो आपके सामने है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 5 वर्ड्स आर अंडरलाइंड, दीज 5 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजिशन। कहा यह गया है कि इनमें से जो भी आपके सामने ऑप्शंस रखे गए हैं, जो वर्ड्स हैं अंडरलाइंड पोर्शन, या तो वो गलत जगह पर रखें, अगर गलत जगह पर नहीं रखे हैं, बिल्कुल सही जगह पर रखें, तो आपके पास ई नंबर का ऑप्शन दिया है, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, राइट। यानी कि इसमें दो तरह का आपको दिमाग एक साथ चलाना होगा, जैसे सेंटेंस को पढ़ें तो एरर भी पता चल जानी चाहिए, एक तरीके से ये आपके सामने डबल फेसेस सेंटेंसेस मैं इनको बोलता हूं, कि एक तो सबसे पहले इनमें आप एरर भी ढूंढते हैं और एरर के साथ साथ फिर आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो थोड़ा इंडल्ज्ड होते हैं एक दूसरे में, तो उनको भी देखना है कि वो कैसे ऑप्शन को आप एक दूसरे से रिप्लेस करते हैं, राइट। हाँ, एक काम ये कर सकते हैं कि किसी एक को लेकर के दूसरे को भी हम चेंज कर सकते हैं, क्लियर हो रहा है, तो आप इसको भी करिएगा। ये हमारा जो डिस्कशन है IBPS PO Mock 2 का होल डिस्कशन विद एक्सप्लेनेशन हम लोग यहां पे कर रहे हैं, सो प्लीज इसको और भी लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे लेके आया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, द गवर्नमेंट, अंडरलाइन देखिए, हैज नॉट हैड मच हैंड ओवर इंडियाज कंट्रोल सैनिटाइजिंग मैन्युफैक्चरर्स हु हैव मशरूम्ड अमिड द COVID-19 पैंडमिक, राइट। अभिषेक जी, भरत, आकाश, शिवम कुशवाहा, रिया, वेरी गुड इवनिंग सभी को, और फटाफट इसको क्या करेंगे, पहले इसको शेयर भी करते जाएंगे जल्दी से। पहला क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन में आ चुका है, मैं इसको सबसे पहले डिस्कस कर देता हूं। हमें देखना है कि क्या ये पढ़ने में सही आ रहा है, आप गौर कीजिए, थोड़ा सा शब्दों को मिलाइए। अगर देखा जाए तो कंट्रोल ओवर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंट्रोल ओवर, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि सैनिटाइजिंग के साथ हैंड वर्ड आना चाहिए, तो रिप्लेसमेंट कर दें अगर नंबर बी से, किससे कर दें, नंबर बी, राइट। यानी फर्स्ट का बी से रिप्लेसमेंट कर दें, अगर फर्स्ट का बी आंसर ले लें, तो आप देख पाएंगे कि अब ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, द गवर्नमेंट हैज नॉट हैड मच, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल ओवर इंडियाज हैंड सैनिटाइजिंग मैन्युफैक्चरर्स, हम इसको ऐसे करेंगे, राइट। तो बी नंबर का ऑप्शन आपने बिल्कुल, सुधीश, अमृता एंड सूरज, जय हिंद, आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी से इंटरचेंज करेंगे, यानी सिंगल वर्ड को आपने पकड़ा तो नीचे बी से रिप्लेस होना चाहिए, बी ऑप्शन बी और सी में दिया हुआ है, बी का ई से आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रियपत रिवर इज, क्वेश्चन नंबर 2 इज नेविगेशन कनेक्ट एज पार्ट ऑफ द E40 इनलैंड बींग प्रोजेक्ट 2 ड्रेन्ड द बाल्टिक एंड ब्लैक सीज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट, गुड।
शैलेंद्र जी, शिवम, सभी लोग फटाफट आंसर भी करते जाएंगे। पहले से अगर आपने करके रखा हुआ है तो आंसर आप मैच कराते जाएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रख रहा हूं मैं। अब सेकंड नंबर में किसको किससे रिप्लेस करेंगे, तो सेकंड नंबर में आप इसको ऐसे सोचो कि बीइंग वर्ड आया है, अब बीइंग के साथ ड्रेन्ड वर्ड आना चाहिए, तो बीइंग ड्रेन्ड से बदल जाएगा, राइट। यानी देखा जाए तो हम सी को चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, अब ड्रेन्ड, अब यानी इस वर्ड को वहां ले जाएं, इसको इधर लेके आ जाएं, तो अगर इसको ऐसे किया जाए कि कनेक्ट के साथ, तो वर्ड एट पोजीशन ए को सी से रिप्लेस करें और बी को डी से रिप्लेस करें, राइट। ऐसे करना होगा, तो बीइंग ड्रेन्ड यानी बी को डी से कर दिया जाए, ए को सी से कर दिया जाए, तो यहां भी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? राइट। यानी ऐसे लिखा हुआ है कि द सेंटेंस एक्चुअली टॉक्स अबाउट ड्रेनिंग ऑफ अ रिवर, राइट। तो नेविगेशन प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट्स टू सीज, तो अब वहां पर जब द करेक्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट ऐसे होना चाहिए, रिवर इज बीइंग ड्रेन्ड, तो बीइंग के बाद जो ड्रेन्ड वो सिस्टम है वो डी में चला जा रहा है, तो ये इससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी यहां इसको जाना चाहिए फिर इसको इधर आना चाहिए। क्लियर हुआ? यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, करप्शन एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और गवर्नमेंट केसेस आर अंडर अ स्कैनर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। करप्शन एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और गवर्नमेंट केसेस आर अंडर अ स्कैनर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अंडरलाइंड पोर्शन है करप्शन गवर्नमेंट फेसिंग स्कैनर एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो करप्शन की जगह पर यानी ए को रिप्लेस कर दिया जाए किससे, सी से, क्यों, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात की गई है ना कि करप्शन एम्प्लॉइज की, तो करप्शन एम्प्लॉइज नहीं होता, या तो होता करप्ट एम्प्लॉइज या होता करप्टेड एम्प्लॉइज, राइट। तो करप्शन नाउन है और नाउन दूसरे नाउन का मॉडिफायर नहीं हो सकता है, लिहाजा अगर हम यहां पर सोचें कि ए की जगह में गवर्नमेंट आना चाहिए तो ए को रिप्लेस करेंगे किससे, सी से, तो ए सी से रिप्लेस करने के साथ साथ थर्ड नंबर के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो थर्ड का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड का बी, अमृता आपने बाद में सही दिया थर्ड का बी, तो थर्ड का बी जितने लोग भी कर रहे हैं उनका सही जवाब है, और सेकंड का बी स्नेहा, शैलेंद्र, रिया, आप लोगों ने जिन्होंने भी जवाब दिया उनका फिलहाल सही है, तो थर्ड का बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको एक हिंट किया कि सिंगल वर्ड को पकड़ के भी हम उसको सही कर सकते हैं, यानी सिंगल वर्ड कैसे कि एम्प्लॉइज के पहले एडजेक्टिव आना चाहिए और इनमें एडजेक्टिव सिर्फ कहां पर है अगर आप गौर कर लें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होता है ना कि करप्शन एम्प्लॉइज, एम आई राइट। तो गवर्नमेंट वर्ड ऊपर आना चाहिए तो उस जगह पे, तो जब सी को ए से रिप्लेस करेंगे तो ए यानी सी से रिप्लेस होगा और ए और सी ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह पे है, नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर यस सॉरी थर्ड हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आ गए हम लोग। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इफ द ओब्लाइज्ड आर ऑल्टरनेटिव The authorities are flights to provide compensation or an cancelled. अब आप एक चीज देख सकते होंगे कि if the ये किससे चेंज होगा, यानी obliged are what? Obliged are क्या होता है, ये तो कोई इसमें कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, राइट। तो अगर हम देखें और भी थोड़ा आगे बढ़े, ऑल्टरनेटिव्स, तो ऑल्टरनेटिव्स किससे चेंज हो सकता है, यानी बी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ओब्लाइज्ड, वो बी चेंज होगा किससे, ई से, ई यानी फ्लाइट्स, तो फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, ऐसे वाला सीन बनता है, यानी डी ऑप्शन में
जब आप इसको एक करेक्ट ऑप्शन की तरह ग्रामेटिकली सही करेंगे तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड. कैसे बनेगा? इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड. तो ओब्लाइज्ड यहां पर नहीं आना चाहिए. तो फ्लाइट्स आर कैंसल्ड में जब हम जाते हैं तो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड. तो यानी कि ए को और जिसको रिप्लेस करना है फिर एंड बी को डी से चेंज, ई से चेंज करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ रहा है कहां पर? डी में. यानी ऑप्शन नंबर डी यानी चौथे का डी इज द राइट आंसर. क्लियर? चलिए, कोई दिक्कत होगी आप क्वेश्चन करेंगे, हम यहां से और भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखाएंगे. क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन फाइव, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम्स ऑफिशियल्स टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई डिग्रेड्स डिग्रेटर्स नहीं डिग्रेड्स आरएस नहीं लगा हुआ है. अब देखो इसमें नीचे चार जगह पे आपके पास फाइव ऑप्शन में आपके पास अल्टरनेट आपके क्या लिखे हुए हैं, अंडरलाइन पोर्शन है. अब आप देखिए कि हम किसको कहां से चेंज करेंगे. तो जो आंसर बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम्स कस्टम्स ऑफिशियल टू इंश्योर स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, राइट, टू स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ ई सिगरेट्स. अब अगर इस तरह की बात करी जाए तो जब हम इस सेंटेंस को सही करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे होंगे कि डी में जो इंप्लीमेंटेशन वर्ड लिखा हुआ है वो किससे चेंज हो रहा है? ई से, यानी प्रोहिबिशन से. तो प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑन ऑन फिर ये इधर चला जाएगा, राइट. तो इंप्लीमेंटेशन नहीं प्रोहिबिशन, तो यानी डी को चेंज करेंगे ई से, ये इंटरचेंज हो जाएंगे तो सेंटेंस का आपका सिस्टम पूरा सही हो जाएगा. यानी फिफ्थ नंबर में बी नंबर का जो ऑप्शन है, यानी फिफ्थ में बी नंबर का ऑप्शन इज द राइट आंसर. फिफ्थ का बी, राइट. डी में है इंप्लीमेंटेशन, ई में है आपका ये क्या बोलते हैं प्रोहिबिशन, तो उसको इंटरचेंज करना है. क्लियर हो गया? तो पांचवें का बी इज द राइट आंसर. जिन लोगों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है, राइट. क्लियर? ओके, गुड. अब हमेशा की तरह आपको मालूम है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो भी आईबीपीओ आईबीपीएस पीओ का जो भी सीन बनता है, आप देखते हैं कि 5 to 6 सेगमेंट्स में 30 क्वेश्चन आते हैं. यानी अगर हमने 5 क्वेश्चंस ये वोकैबुलरी स्टेटस से रिलेटेड है कि इंटरचेंज ऑफ वोकैब्स ये आया हुआ है, नया नहीं कह सकते इसको, है वही चीज, बस रिप्लेस कर रहे हैं. यानी आपको मीनिंग क्लियर होनी चाहिए और ग्रामर का अप्रोच अच्छा हो तो हम इसको कर सकते हैं. अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 6 से 11 तक के क्वेश्चन में आपके पास पैराग्राफ आने वाला है, तो 6 to 11 के क्वेश्चन का पहले तो आप डायरेक्शन दिखा दीजिएगा. तो इसमें इस डायरेक्शन में आपके सामने साफ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सम वर्ड्स आर हाइलाइटेड टू हेल्प यू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस. यानी जाहिर सी बात है कि हम ये पैराग्राफ के थ्रू अब अपने आंसर्स को देने जा रहे हैं, राइट. यानी आपके पास जो 6 to 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग एक पैराग्राफ को लेके चल रहे हैं, राइट. चलिए, और पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे आ भी गया है. द एनर्जी कंटेन्ड इन रॉक विद इन द अर्थ क्रस्ट रिप्रेजेंट्स अ नियरली अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स. ये आपका है पैराग्राफ, बड़ा है, जाहिर सी बात है कि मैंने तो आपको फिलहाल ये भी कह रखा है कि चाहें तो पैराग्राफ पूरा ना पढ़ें, क्योंकि अभी तो हम लोग इसका डिस्कशन पूरे 1 घंटे में कर रहे हैं तो भी मुझे बहुत तेज डिस्कशन करना पड़ जा रहा है. लेकिन जब आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अगर आपको सपोज करो 20 मिनट में करना हो तब तो फिर आप समझ ही गए कि 20 मिनट्स में पॉसिबल बनाना पड़ेगा. ये नहीं कह सकते कि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, स्पीड जिनकी अच्छी होती है वो लोग इसको करते भी हैं.
ऐसा नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसको लोग उतने अच्छे से नहीं करते हैं, करते हैं। अब जब करते ही हैं तो आप एक चीज ये याद रखो कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि फाइनली जब हम पैराग्राफ अगर नहीं भी पढ़ते हैं या हम इसको पढ़ लेते हैं, अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप थोड़ा सा अगर रफली टाइप में तेज पढ़ पाए। देखिए पैराग्राफ तो बड़ा है, नो डाउट, आप देख लीजिए पैराग्राफ अभी तो फर्स्ट खुला हुआ है आपका, 10 से 12 लाइन का ये है, फिर आपका सेकंड पैराग्राफ है, फिर थर्ड है, फिर फोर्थ है, देन फिर आपके सामने इसके क्वेश्चंस आएंगे, राइट। तो मैं 2 मिनट में एक ही पैराग्राफ को पढ़ के थोड़ा सा आपका एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। द एनर्जी कंटेन्ड इन रॉक विद इन द अर्थ क्रस्ट रिप्रेजेंट्स अ नियरली अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स, बट अंटिल रिसेंटली कॉमर्शियल रिट्रीवल हैज बीन लिमिटेड टू अंडरग्राउंड हॉट वाटर एंड और स्टीम रिकवरी सिस्टम्स। दीज सिस्टम्स हैव बीन डिवेलप्ड इन एरियाज ऑफ रीसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी वेयर हाई रेट्स ऑफ हीट फ्लो कॉज विजिबल इरप्शन ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ गीजर्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। इन अदर एरियाज हाउएवर हॉट रॉक ऑल्सो एग्जिस्ट नियर द सर्फेस, बट देयर इज इनसफिशियंट वॉटर प्रेजेंट टू प्रोड्यूस इरप्टिव फिनोमिना, दस अ पोटेंशियल हॉट ड्राई रॉक, जिसको इन्होंने शॉर्टकट में लिखा है ब्रैकेट में HDR। इस वर्ड को कई बार इन्होंने यूज किया, HDR मतलब हॉट ड्राई रॉक, गर्म और बहुत ही सूखी चट्टान। तो अब इसमें रिजर्वर एग्जिस्ट वेन एवर द अमाउंट ऑफ स्पॉन्टेनली प्रोड्यूस्ड जियोथर्मल फ्लूड हैज बीन जस्ट इन एडिक्वेट फॉर एग्जिस्टिंग कॉमर्शियल सिस्टम। रिट्रीवल का मतलब होता है द एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग, राइट। ये पूरा पैराग्राफ आपका इंटरनल अंडरग्राउंड गीजर्स जो गैस फिक्स्ड वाटर होते हैं, इन अ होल इन द अर्थ देयर इज अ होल वेयर द हीट वाटर इज कलेक्टेड। जैसे आपके वॉशरूम में बाथरूम में गीजर लगा होता है और उसमें वो गर्म करता है, फिर आपको अपने हिसाब से गर्म पानी देता है, उसके हिसाब से वोल्केनिक सिस्टम को पूरा साइंटिफिक पैराग्राफ आपके सामने रखा गया। इकोनॉमी बेस्ड नहीं रखा उन्होंने, इकोनॉमी नहीं रखा है। तो अमृता जी ने कहा कि हमने पढ़ लिया, अगर आपने इतनी जल्दी पढ़ लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये स्पीड अच्छी है आपकी, 2-3 मिनट में अगर आप पढ़ पाए रफली सही, एक ओवरव्यू लेने के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिखाया जाए मुझे, यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि 6 to 11 यानी 5 क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू, तो पैराग्राफ 2, 3, 4 पहले आप हटा दीजिए पूरे और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ले चलिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब देखो कितना बहुत ही, मैं तो ये कहूंगा कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बट इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो शायद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि रियल एग्जाम में इनको स्किप करना भी अच्छी बात होती है। रीजन देखो, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू। अब प्राइमरी पर्पज क्या है इस पैसेज का, अंटिल यू रीड द होल पैराग्राफ हाउ कैन यू कंसीडर द पर्पज ऑफ द होल पैसेज बिहाइंड इट, एम आई राइट। यानी आप मुझे खुद ही बता दो, अगर आप पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते हो तो कैसे जान पाएंगे कि इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसके पीछे का पर्पस क्या है, आप नहीं जान सकते, राइट। सो मैं ये भी मना नहीं कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को ना करें, बट जिन्होंने 2 से 3 मिनट में तेज फास्ट स्पीड में अगर आपने पूरे पैराग्राफ पढ़े, अभी तो आपने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा है इसका, ऐसे 3 पैराग्राफ और हैं। चूंकि समय कम होने के कारण हम पैराग्राफ को पूरा डिटेल्ड में ना जा करके हम आपको सलाह दे रहे हैं कि आप इसको कैसे करिएगा, राइट। तो अब देखो इसमें अगर आपको आइडियाज मिलते हैं, मैं पहले 1-2 क्वेश्चन तो आपको डिटेल में करा रहा हूं, फिर मैं पैराग्राफ भी आपको दिखा दूंगा, फिर क्वेश्चंस पे हम लोग चले जाएंगे। नो डाउट मैं आपको समझा पूरा रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात को अदरवाइज न लेते हुए इस बात को समझे कि स्मार्ट वर्क करना है मुझे एग्जाम में, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू डू हार्ड वर्क कि मैं नहीं सर पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ूंगा फिर मैं समझूंगा फिर मैं उसको
करूंगा, तो ऐसी गलती ना करें, am I right? तो पहला देखो लिखा है मेक द रीडर्स अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ HDRs एज एन अवेलेबल एनर्जी सोर्स। चलिए पहला पॉइंट तो ये आपका आ गया है। सेकेंड पॉइंट आपका है डॉक्यूमेंट द चैलेंजेस दैट हैव बीन सरमाउंटेड इन द एफर्ट टू रिकवर एनर्जी फ्रॉम HDRs। हॉट ड्राई रॉक्स, ये मैंने आपको बोला था कि HDR जो वर्ड है ये कई बार आपके उस पे रिफ्लेक्ट होगा, कई बार आता है ये, राइट? तो मैं ये चाह रहा था कि HDRs, ये जो हार्ड ड्राई रॉक्स दूसरे नंबर का पॉइंट है। तीसरा है वॉन द यूजर्स ऑफ कोल एंड ऑयल दैट HDRs आर नॉट एन इकोनॉमिकली फिजिबल ऑल्टरनेटिव। नंबर डी इनकरेज द यूज ऑफ न्यू टेक्निक्स फॉर द रिकवरी ऑफ एनर्जी फ्रॉम अंडरग्राउंड हॉट वाटर एंड स्टीम। नंबर ई अर्ज कंज्यूमर्स टू डिमांड क्विकर डेवलपमेंट ऑफ HDR रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देयर आर फाइव ऑप्शंस, राइट? देखा जाए तो एक सरसरे तौर पे आपने नहीं पढ़ा, बट मैं तो पढ़ के यहां पे खड़ा हुआ, मुझे एक्सप्लेन करना था इसलिए तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो इसका प्राइमरी पर्पज है नंबर ए में है, मेक द रीडर्स अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ HDRs एज एन अवेलेबल एनर्जी सोर्स। हमारे पास हॉट ड्राई रॉक्स, हार्ड नहीं है, हॉट ड्राई रॉक्स जो हमारे पास हैं, ये हमारे पास एक अलग एनर्जी सोर्स है, अलग टाइप के एनर्जी सोर्स हैं, तो ये हमें दिखाया गया है। स्नेहा भारती आपने 6 का ई लगाया है, बेटा वो गलत हुआ है, 6 नंबर का आंसर है ए। जिन्होंने ए लगाया होगा उनका आंसर सही है, तो जो फिलहाल देख रहे हैं पहले से नहीं करा है वो लोग भी अपने आंसर को यहां पर दिखा सकते हैं, राइट? तो रिया जी आपने सही लगाया 6 का ए, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आने से पहले मैं चाहूंगा, चलिए 7 हम कर लेते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ भी आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ दिखाएंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे, राइट? अब देखो फिर से पूरा ऐसे लिखा हुआ है। अभी ना आप लोग माय डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत कंजूसी करते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे आपका कुछ चला जाएगा, यानी आप शेयरिंग नहीं करते दिल से। शेयरिंग करते रहा करिए, देखिए शेयर करने से चीजें अच्छी होती है ना, तो अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए और खराब चीजें अपने अंदर रख लेनी चाहिए, ये मैंने सीखा हुआ है, राइट? बचपन में हम लोगों ने कहानियां भी पढ़ी हुई हैं कि जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो जो साफ रहता है, एक जगह पे अगर इकट्ठा हो गया तो वो गंदा होने लगता है। तो आप उसको थोड़ा अपने चीजों को थोड़ा बढ़ाते रहिए, और कॉम्पिटिशन का माहौल भी बनता है। अगर किसी चीज को 50 लोग रिप्लाई करेंगे बजाय 10 के, तो आई होप कि वो 50 का कॉम्पिटिशन आपके साथ बढ़ता है। तो आप ये मत सोचा करो कि मैं अकेले कर लूंगा तो मेरे लिए से क्या मतलब, मेरी अच्छी चीज है, राइट? तो शेयरिंग करते रहिए और शेयर करना अच्छी बात है। देखिए अमृता जी ने लिखा भी है कि शेयरिंग करते हैं देखते ही नहीं। अच्छा, जो लोग नहीं देखते हैं, अपना आपने काम कर दिया है, इट्स गुड, आप अपने पार्ट से अदा हो गए कि नहीं, आई हैव शेयर्ड दिस थिंग, इट्स अ गुड थिंग, नाउ दैट इज योर चॉइस, ईदर यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट और नॉट, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो रमा शंकर जी 6 का ये सही था, स्नेहा रिया 6 का ये सही था, और बहुत सही जवाब दिया है, कोई बात नहीं है। तो अब इसमें और भी एक चीज करनी है, द पैसेज वुड बी मोस्ट लाइकली टू अपियर इन अ, ये हमारे पास पूछा गया, पैसेज वुड बी मोस्ट लाइकली टू अपियर, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट? अब ये थ्रू द पैराग्राफ ही है सारे, इसमें कोई टेक्निक्स नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ना कोई ऑप्शन को नेग्लेक्ट करके हम कोई आंसर एकदम से ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट? थोड़ा टफ चीजें ही, देखिए आपका लक्ष्य जितना टफ होगा, यानी कहते हैं ना कि अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी, किसी ने पूछा कि मैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूज करना चाहता हूं लाइफ में, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ ले लो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, यानी जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे अभी शैलेन जी ने कहा कि शेयर करते तो है सर, तो फ्रेंड्स आके चले जाते हैं, क्यों? उन्हें लगता अरे यार ये कहां फंस गए, IBPS PO का पेपर अगर इतना टफ होता है तो हमें नहीं करना भाई। कई लोगों ने कहा कि सर वो पढ़ते हैं करते हैं 10-15 मिनट तो देखते हैं, उसके बाद जब समझ में नहीं आता है तो फिर सर छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है यार, या तो फिर फॉर्म भरना बंद कर दो,
देखो दो तरह से चीजें नहीं चलेंगी, बीच में अच्छी नई चीजें, एवरेज कैंडिडेट्स की कोई वैल्यू नहीं है बेटा। आपको एक्सट्रीम तक जाना, वो एक दो नंबर का जो मामला होता है वहीं तक जाना पड़ेगा, उस चीज को फेस करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो आप अवॉइड करके इग्नोर करके कोई चीज गेन नहीं कर सकते हैं। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आपको करना ही है तो आप यहां पर उसको करिए और सीखते रहिए। 2, 4, 6 बार, 8 बार में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। रीडिंग स्किल्स को बढ़ाइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही क्या होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी उसको पढ़कर याद रखना। थोड़ी देर तो याद रखना होता है ना जब हम पढ़ते जाते हैं, और जब हम पढ़ते जाते हैं ना उसको अच्छे से, तो वो शायद उस टाइम के लिए हमें क्लिक करता है कि हमको इसको इस तरीके से करना होता है, राइट। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 दिखाने से पहले थोड़ा सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन भी आप दिखाएंगे पैराग्राफ के, सेकंड, पैरा, थर्ड एंड फोर्थ, जहां से है एज अ रिजल्ट ऑफ द रीसेंट एनर्जी। देखिए यहां पे भी है एज अ रिजल्ट ऑफ द रीसेंट एनर्जी क्राइसिस, न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर क्रिएटिंग एचडीआर रिकवरी सिस्टम्स विच इन्वॉल्व ड्रिलिंग होल्स एंड कनेक्टिंग देम टू आर्टिफिशियल reservoirs placed deep within the crust are being developed, right? अब इस तरह की चीजों को देखिए फायदा हुआ है। देखिए YouTube में वॉचिंग बढ़ गए, देखो आपने शेयर किया, बढ़ गए लोग। ऐसे ही दिल से शेयर करते रहिए और भागिए मत, भागने से कुछ नहीं होना है, प्रॉब्लम को फेस करने से चीजें होती हैं, राइट। अब जैसे COVID-19 फैला हुआ है तो हम भाग नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, हमें सारा प्रिकॉशंस भी लेना है। देखो हम लोग भी आते हैं, स्टूडियो आते हैं, पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं, हर चीज को सही तरीके से करके हम लोग इससे भी निजात पा जाएंगे, इसको भी जीत लेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसे डर के बस बैठे ही रहेंगे। एग्जाम देखो हो रहे हैं, डेट्स आ गई, कैलेंडर्स आ गए, एग्जाम हो भी रहे हैं, लेकिन जो चीजें फॉलो करनी वो तो करना ही पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते सर हम हैंड सैनिटाइज कौन करे, सर मास्क कौन लगाए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं यही दिखा रहा था कि ये सेकंड थर्ड पैराग्राफ भी बहुत बड़ा है, फोर्थ पैराग्राफ भी दिखा दिया जाए। द जियोथर्मल ग्रेडियंट विच स्पेशली डिटरमाइंस, देखो ये पैराग्राफ भी काफी बड़ा है। तो मैं, मेरा डराने का कोई मतलब नहीं था आपसे, बस ये कहने का मतलब है कि हम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ अगर हम पढ़ नहीं सकते हैं तो हम रफली टाइप में इनको देख करके और एक अपना ओवरव्यू लेकर के भी अपने क्वेश्चंस के थ्रू आंसर की तरफ जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको अपनी कुछ डिटेल्ड क्लासेस में बताया है, राइट। तो 7 का सी नंबर का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। प्लीज क्वेश्चन नंबर 8 दिखाया जाए, स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। तो अमृता 7 का सी, शैलेंद्र आपका शायद गलत हुआ है, हाँ बाद में आपने सही किया शैलेंद्र जी, 7 का सी सही है आपका आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज एन एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट ऑफ 22 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ डेप्थ कैन बी यूज्ड टू, ये आपको करना है, राइट। तो इसमें सीधे आंसर में ही चलते हैं और आप बाद में मैच करा लीजिएगा, ये आंसर कहीं ना कहीं आपके उसी पैराग्राफ से हैं, मिल जाएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी हमें आगे भी डिस्कस करने, तो जहां पे कोई ग्रामेटिकल रूल लगेगा या कुछ आपको स्पेशली बताना होगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का नंबर ई, ये आपका आंसर बन गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का ई। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। It can be inferred from the passage that the availability of temperature depth records for any specific area in the United States depends primarily on the. अब यहां पर on the के बाद आपसे पूछे गए हैं, नीचे हमें options भी मिले हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बताता हूं। 8 का ई जिन लोगों ने किया था उनका सही था, 9 में बी जिन्होंने पहले से सॉल्व किया होगा उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा कि सर हम तो सॉल्व करके बैठे थे, हमें आंसर मिल गए हैं और वो आंसर अब करेक्ट भी हो रहे हैं तो उन्हें अच्छा भी लगेगा। ऐसा नहीं है, देखिए
अगर आप बाकी के क्वेश्चंस से टाइम बचा लें तो हम लोग 6 से 7 मिनट तक दे सकते हैं पैराग्राफ को, और अगर हम 3 मिनट में 4 मिनट में आधे टाइम में पढ़ लें और आधे टाइम पे 5 क्वेश्चन कर लें तो कोई बुराई नहीं है, राइट। तो 9 का B क्वेश्चन नंबर 10 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन ऑल HDR रिकवरी सिस्टम फ्लूड विल बी नेसेसरी इन ऑर्डर टू अलाउ, तो ट्रांसफर ऑफ हीट, ये नंबर ई यानी 10 का नंबर ई, ये आपका आंसर बनता है, राइट, नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इफ द एवरेज जियोथर्मल ग्रेडियंट इन एन एरिया, ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे, इज 22 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ऑफ डेप्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिलायबली प्रेडिक्टेड, तो इसमें ओनली फर्स्ट, द टेम्परेचर एट द बेस ऑफ अ 10 किलोमीटर विल बी सफिशियंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी नंबर 11 में आएगा नंबर ए, नंबर 11 का ए, यानी जिन लोगों ने पैराग्राफ को ऐसे किया है और उनका ये सब सही जा रहा है तो होपफुली वो बहुत खुश होंगे। अब थोड़ा फास्ट मूड के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, दिस पॉलिटिकल स्लैंडर हैज नो रियल डेप्थ बट इट स्टिक्स एंड इट मूव्स इलेक्शन, आपके पास ऑप्शन है, दिस पॉलिटिकल, देखो ऊपर जो आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन में लिखा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस इज गिवन फॉलोड बाय 3 वर्ड्स, चूज अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स विच रिफ्लेक्ट इट्स मीनिंग इन द सेंटेंस करेक्टली। स्लैंडर का मतलब होता है, स्लैंडर का मतलब होता है मेक फॉल्स, यानी किसी को डिफेम करना, राइट। तो जो सबसे अच्छा सेंटेंस को मीनिंगफुल रिफ्लेक्ट करता है वो वर्ड क्या माना जाएगा, डिफेमेशन, डिफेमेशन, राइट। तो 12 का सी नंबर का जो आंसर है दैट विल बी द राइट आंसर, 12th का सी। राइट, गुड। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है एन इवेंट और एक्शन ऑब्जेक्ट दैट क्लियरली शोज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट और थ्योरेटिकल, राइट, यानी ये यहां पर सेट नहीं होता है, सेट स्लॉथ भी नहीं होता है, क्योंकि स्लॉथ का मतलब होता है एन एफर्ट और लेजीनेस, राइट, रिलक्टेंस टू वर्क और मेक एन एफर्ट, और इसको लेजीनेस भी कह सकते हैं आप, वो भी मतलब नहीं था। तो स्लैंडर सीधे डिफेमेशन, डिफेमेशन का मतलब डिफेम, उसका मीनिंग ही होता है, उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, पुलिस सेड द केस इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पब्लिक मनी व्हिच हैव बीन डाइवर्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड दैट इंटरोगेशन इज नीडेड टू ट्रैक द फंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 12 का ए जिन लोगों ने लगाया है उनका आंसर आंसर उनका गलत है, क्योंकि 12 का सी आंसर होना चाहिए, 12 का सी। और अब 13 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 13 नंबर का जो आंसर है वो है ए, फ्रॉडुलेंटली और अनफेयरली, राइट। तो फ्रॉडुलेंटली एंड अनफेयरली आप समझ ही रहे हैं कि फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है धोखाधड़ी से, टू डिसीव, और अनफेयरली का मतलब होता है गंदे तरीके से, बुरे तरीके से, यानी साफ सुथरे तरीके से नहीं, यानी आप बेईमानी के तरीके से। तो फ्रॉडुलेंटली आप ए से चेंज करेंगे डर्टली, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, और अब यहां पर आपको एरर डिटेक्शन के पार्ट में जाना होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है, द कोठारी कमीशन रिपोर्ट हैड सजेस्टेड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडी एंड द सेटिंग अप ऑफ द स्मॉल नंबर ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज विच वुड एम टू अचीव द हाइएस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर
द स्मॉल नंबर जहां पे लिखा हुआ है तो आई स्मॉल नंबर ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में एरर दिखाई गई है। किस में एरर है? पॉइंट नंबर सी में, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सी चेंज करेंगे आ नंबर ऑफ मेजर यूनिवर्सिटीज, राइट। अब क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 15 में, क्वेश्चन नंबर 15, इग्नोरिंग इट्स सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप विद तिब्बत, इंडिया होप्ड टू गेन फ्रॉम द इमर्जिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड दस सेलिब्रेट हिंदी चीनी भाई भाई। एक बहुत पहले एक स्लोगन आया था, हिंदी चीनी भाई भाई। इस समय तो हिंदी चीनी दुश्मन दुश्मन सबसे ज्यादा, इस समय अगर वॉर छिड़ा हुआ है तो पाकिस्तान भी इस समय पीछे हो गया हम लोगों से, और पाकिस्तान भी उतना नहीं आया हुआ है जितना हाईलाइटेड इस समय इंडिया और चाइना के हमारे बीच की जो चीजें निकल के आ रही है, राइट। इग्नोरिंग इट्स सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप विद तिब्बत, इंडिया होप टू गेन फ्रॉम द इमर्जिंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड द सेलिब्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि पूरा पैराग्राफ पूरा सेंटेंस जो दिया हुआ है वो पास्ट टेंस की तरफ रुख करता है। तो हम किस में जा रहे हैं? 15 का, यानी क्या होना चाहिए 15 में? इसको क्या करेंगे? सेलिब्रेटेड, यानी डी ऑप्शन आएगा 15 का, डी। 15 का डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी सेलिब्रेटेड, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। द सुप्रीम कोर्ट सेज कैनेडियन जजेस हैज बीन टू सॉफ्ट वाइल अवॉर्डिंग पनिशमेंट फॉर 30 इयर्स। फटाफट करेंगे इसको। अब देखिए थोड़ा इजी हुआ है पेपर, तो लोग बढ़ गए हैं, अच्छा लगा मुझे देखकर कि डबल हो गई स्ट्रेंथ यूट्यूब पे। और 15 में डी ऑप्शन जिन लोगों ने लगाया उनका सही ऑप्शन है, बहुत लोगों ने सही किया। स्नेहा आपने सही कर लिया, शिवम, शैलेंद्र, रिया, रमाशंकर, आकाश, बहुत सही जवाब दिया आपने। ऐसे ही देखो थोड़ा इधर का भी ध्यान रखा करो, इधर भी अच्छा लगता है जब आप ऐसे करते हैं। अमृता जी ने जवाब दे दिया सेलिब्रेटेड होना चाहिए था, राइट। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है कि 15 के डी में एरर थी और उसको हम क्या करेंगे? सेलिब्रेटेड करेंगे, राइट। बिल्कुल सही जवाब। तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 16 का सी बोल रहे हैं, यानी 16 का सी, सी में एरर है। तो क्या एरर है अगर आप थोड़ा सा भी बता देंगे तो और अच्छी बात होगी। तो फिलहाल मैं बता दूं 16 का सी में नहीं बल्कि 16 का बी इज द राइट आंसर, 16 का बी इज द राइट आंसर। तो रमाशंकर जी गलत हुआ है, रिया आपका भी गलत हो गया, तनिषा दुबे बिल्कुल सही जवाब, 16 का सी इज द राइट आंसर। क्यों? देखो लिखा है द सुप्रीम कोर्ट सेज कैनेडियन जजेस, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कैनेडियन जजेस यानी प्लूरल, तो हैज बीन नहीं हो सकता, वहां पर क्या करेंगे? हैव बीन, क्या करेंगे? Have been, right? यानी हम उसको have been में जाएंगे, right? Clear हो गया। चलिए तो ये चीज आपने सही करी है। यहां आपने बिल्कुल सही किया हुआ है और बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, ये आंसर भी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर एवरी इज द लॉस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल राइट्स अ पर्सन कैन हैव इन इट्स एब्सेंस वंस एंटायर बॉडी ऑफ राइट्स डिसअपीयर्स। तो 16 का बी जिन लोगों ने लगाया उनका सही आंसर है, राइट। 16 का बी स्नेहा, आकाश, शैलेंद्र, हैव बीन, गुड। शैलेंद्र जी ने तो बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दिया, बिल्कुल सही जा रहे हैं। 17 में है द लॉस ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर एवरी, आफ्टर ऑल एक पूरा पूरा फ्रेज होता है आप समझिएगा, तो आफ्टर ऑल यानी आफ्टर के तुरंत बाद आना चाहिए, तो
तो आफ्टर ऑल एवरी नहीं लगना चाहिए, तो एवरी अब यहां पर थोड़ा सा स्लैश इधर भी लगा सकते थे, या फिर मैं आपको बता दूं कि जब आपको इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि दोनों साइड आपको एरर दिखने लगे कि सर हम ए में लगाएं कि बी में लगाएं, तो आप ये देखिएगा रिक्वायरमेंट किसकी है। तो रिक्वायरमेंट किसकी है? आफ्टर की। तो आफ्टर ऑल एक साथ आना चाहिए, तो 17 का ए इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने बी में सोचा है कि एवरी हटा के अगर ऑल लगा रहे हैं, तो तनिषा स्नेहा मैं बता दूं अगर आपका ऑप्शन आफ्टर ऑल करना है तो बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जब इस तरह की सिचुएशन में आप फंसेंगे तो आप मेरी बात भी याद रखिएगा कि जिसकी डिमांड होगी हम उसकी तरफ जाएंगे। हालांकि यह स्लैश एक स्टेप आगे हो जाना चाहिए था तो और अच्छा होता, आपको कंफ्यूजन भी नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 17 का ए आंसर माना जाएगा। और अगर आप आफ्टर ऑल स्नेहा आप यही लिख रही है आफ्टर ऑल, और जो जो भी इस चीज को आफ्टर ऑल की तरह देख रहे हैं, तो बी नंबर न मान के ए की रिक्वायरमेंट है तो हमारा ऑप्शन ए माना जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज। 18 क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन सिटीज फीचर हाई इन द लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एंड द कंट्री फीचर्स वेरी लो ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये हमारा नो एरर है, क्वेश्चन नंबर 17 नो एरर, कोई एरर इसमें नहीं है, राइट। अब जब नो एरर है तो फिर इसमें कोई डिस्कशन की बात भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, राइट। चलिए तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज। 19, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस यू वुड बी अलाउड टू रिमेन आउट ऑफ होम आफ्टर 10 o'clock, सेड राधिका टू हर सन। ये 19 आप देख लीजिएगा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस You would be, तो यहां पर आपको चेंज करना है, यू वुड बी की जगह हो जाएगा वुड यू बी, ग्रामेटिकली करेक्ट करना होगा, इसको चेंज करना है, यू वुड बी की जगह वुड यू बी, राइट। ऐसे तो अब इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा ये पार्ट कहां बनता है, बी नंबर का पार्ट है, तो यू वुड बी अलाउड टू रिमेन की बजाय वुड यू बी अलाउड टू रिमेन। तो 19 का बी बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, स्नेहा भारती और भी कुछ लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया हुआ है, तो 19 का बी बिल्कुल सही, अमृता आपका भी सही है, तो और उसके पहले वाला अमृता आपका नो एरर भी सही था, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने पहले से करके रखे थे तो आपने जवाब भी बहुत जल्दी दिए हैं, और जो अभी करते जा रहे हैं उसको सही कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। 19 का बी आकाश बिल्कुल सही है, रमाशंकर 19 का ए आपका गलत हुआ है। अब हम चलते हैं नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन में ले आइए मुझे आप, और ये हम लोग आ गए हैं फ्रेज का रिप्लेसमेंट करने के लिए, राइट। तो 20 से 24 तक यानी 5 क्वेश्चन है फ्रेज के रिप्लेसमेंट के लिए। पहला है वेरियस फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन लेट यू कीप ट्रैक ऑफ व्हाट द टीम इज अप टू व्हिच हैज बिकम एसेंशियल स्पेशली ड्यूरिंग द चैलेंजिंग COVID-19 टाइम्स। अब देखिए वेरियस फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन, सिर्फ इसको अंडरलाइन किया है, तो वेरियस फीचर्स ऑफ द एप्लीकेशन, इसमें मुझे कोई एरर समझ में नहीं आ रही है, तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना आंसर लगाते हैं क्या, नंबर ई यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ सर? बिल्कुल, यानी कि अगर आप ऐसे समझें कि अगर आप देखिए एक चीज मैं ये भी बता दूं, अच्छा भी लगता है, गुड साउंड क्रिएट होता है जब आप कुछ ऐसे पढ़ते हैं, और वो गुड साउंड बैड साउंड से भी आप पकड़ सकते हैं एरर को, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 गुड। तो 20 नंबर में ई लगाया है स्नेहा जी ने, सही है और बहुत सही जा रहा है। चलिए और भी कुछ लोगों ने लगाया है ई, अमृता आपका भी ई सही है, और भी जो लोग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं आंसर देते, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मैं ऐसे मत सोचिएगा मैं बहुत जल्दी में हूं, बट ऐसा है ना कि वो स्लॉट के तरीके से हम लोग चल रहे हैं और थोड़ा फास्ट है, कोई ऐसी बात भी नहीं, इसमें डिस्कशन करने वाला होता है, मैं वहां पर आपको करवा भी रहा हूं, राइट। 21 वॉलमार्ट आंसर टू एमेजॉन प्राइम, राइट।
फाइनली हैज बीन अ लॉन्च डेट, तो हैज बीन अ लॉन्च डेट ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, तो अब इसको करेंगे क्या, ये आपको सही करना है राइट। तो हैज बीन अ लॉन्च डेट की बजाय 21 में ए नंबर का आंसर बिल्कुल सही है, हैज अ लॉन्च डेट राइट। यानी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया वॉलमार्ट ने अमेजॉन प्राइम को क्या फाइनली कि ये दे हैव यानी इट हैज अ लॉन्च डेट कि हाँ लॉन्च डेट है, हैज बीन अ लॉन्च डेट नहीं, यानी 21 का ए इज द राइट आंसर भाई। या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते, कुछ टाइम दिखाते तो बीन लगा के वर्ब में आईएनजी लाते, या हम पैसिव फॉर्म में लाते तो कुछ लगाते। तो हैज अ लॉन्च डेट मींस द प्रोडक्ट और सर्विस इज नाउ कंफर्म्ड इट विल बी लॉन्च्ड सून, इसका मतलब जैसे हम कहते हैं कि द कंपनी हैज अ लॉन्च डेट ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो ठीक है हैज बीन का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई मतलब नहीं है। तो 21 का ए कितने लोगों ने लगा दिया है, अभिनव बहुत पहले जब सबसे पहले जवाब दिया, स्नेहा जी 21 का ए सही है, अभिनव बिल्कुल सही है, रमाशंकर आपका भी सही है, क्लियर अमृता 21 का ए सही जवाब, बहुत सही, तो ये बिल्कुल सही हैज अ लॉन्च डेट। नेक्स्ट 22, द टू प्लेराइट्स वर्कड इन डोज कोलेबोरेशन विद ईच अदर ऑन द स्क्रिप्ट, तो 22 में इन क्लोज कोलैबोरेशन होना चाहिए, इन क्लोज कोलैबोरेटिंग की बजाय इन क्लोज कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेटिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लगा है तो क्लोज हमारा एडजेक्टिव है, तो कोलैबोरेशन नाउन है, तो नाउन के फॉर्मेट में जब लेके आएंगे तो इन क्लोज कोलैबोरेशन इज द राइट ऑप्शन टू रिप्लेस 22 यानी डी। 23rd, इफ The UK will agree to the provisions on e-commerce, it will mean it won't be allowed to impose data privatization rules on industries looking to do business in the UK. ये है हमारा 23rd. 23rd का ऑप्शन है B. 23rd का B is the right answer. 23rd का B. किससे रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं हम इसको एग्रीज टू द, इफ द यूके विल एग्री नहीं, इफ द यूके एग्रीज, रीजन आपने एक चीज पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया भी होगा, जब टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं डिटेल्ड में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि दो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस नहीं बनते हैं, जब दो फ्यूचर टेंस के सेंटेंस आते हैं तो पहले वाले को प्रेजेंट के इंडेफिनिट बना करके दूसरे वाले को फ्यूचर में बनाते हैं राइट। तो जैसे मैं कहूं इफ आई कम आई विल मीट यू, अगर मैं आता हूं तो मैं आपसे मिलूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा इफ आई विल कम आई विल मीट यू, ये गलत है, तो हम इसको सही करेंगे इफ द यूके एग्रीज टू द प्रोविजंस, तो हम पहले वाले को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनाते हैं, लिहाजा 23rd का आपका ऑप्शन आएगा बी। चलिए और बी कुछ लोगों ने लगाया भी है, शैलेंद्र बी सही है, आकाश एग्रीज टू बिल्कुल सही है, रमाशंकर आपका भी सही है, और इधर शैलेंद्र बिल्कुल सही जा रहा है, अमृता आपका भी सही जा रहा है, एग्रीज क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर ही है, तो एस आई एस लगता है हमने लगा दिया राइट। 24 में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन सेड दिस वीक दैट अरेस्ट एट द यूएस मैक्सिको बॉर्डर फॉल इन द सेप्टेम्बर फॉर द 4th मंथ इन द रो। अब देखो बात पुरानी है, सितंबर की बात कर रहे हैं, मान लो बाद में कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात को अब बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उसको पास्ट टेंस में लेके जाएंगे, तो यहां पे लिखा है फॉल इन, बॉर्डर फॉल इन, तो या तो फॉल्स होता, फॉल्स इसलिए नहीं कर सकते कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट यानी ओल्ड थिंग्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज पास्ट इनडेफिनिट, देन द करेक्ट ऑप्शन इज नंबर ए 24th ए, फेल इन, फॉल फेल Fallen, ऐसे बनता है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है fallen, तो fall fell fallen राइट। चलिए 24 हो गया, अब हम चलते हैं 25-30 क्लोज टेस्ट के ऑप्शन में राइट, देयर आर 6 क्वेश्चंस और हमें इसमें करेक्ट ऑप्शंस भरने हैं। हालांकि मैं क्लोज टेस्ट करने की जब बात करता हूं तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं सभी से कि बिना पढ़े इसको ना करें राइट। तो अब चूंकि पैराग्राफ पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ के जैसे ही समझेंगे
तो आपको इसके आंसर भी अपने आप से कुछ अगल बगल के, यानी इसको पहले रीड करें, रीड करने के साथ दोनों साइड के दिए हुए वर्ड्स को पढ़ें, और उनको पढ़ने के साथ साथ जब आप जाते हैं तो वो ऑप्शंस आपको अपने आप से दिमाग में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं, राइट। तो जैसे पैसेज है दी अफेयर टू द ईसी एक्ट एज वेल एज द ऑर्डिनेंस ऑन प्रोवाइडिंग अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजैक्शन थ्रू फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस मे नॉट फंडामेंटली आफ्टर द, फिर 26 ऑन द ग्राउंड। तो 25 के ऑप्शंस आपके पास थे, पासेज, बिल्डिंग, अमेंडमेंट, फॉजिंग, ग्रोथ। तो इसमें जो ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, दी अमेंडमेंट, यानी सी, The amendment to the EC Act as well as the ordinance on providing a legal framework for transaction through farmers agreement on price assurance। तो इसका मतलब होता है, amendment का मतलब होता है किसी चीज में सुधार लाने की बात करना, और पूरे पैराग्राफ में उसी टाइप की बातें हुई हैं। तो 25 का नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26, 27, 28, यानी मैं आपके ऑप्शन रखता हूं, ऑप्शन नंबर 25 के बाद 26 दिखाया जाए। ऑप्शन 26 का जो ऑप्शन है वो है बी, यानी सिचुएशन 26 का बी। ऑप्शन है 27 दिखाएं, 27 का जो ऑप्शन आ रहा है वो डी आ रहा है, रिस्पॉन्स, फिर 28 का ए, 27 का आता है डी, 28 का ए, एंड 29 दिखाएं। 29 में आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कंटिन्यू 30। एंड क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन है वो है क्या, डिटरमाइंड, यानी ए, डिटरमाइंड। यानी अब अगर मैं उन्हीं ऑप्शंस में रखता चला जाऊं ये 5 ऑप्शंस, देन यू विल फाइंड दैट दे आर द रेक्टिफाइड कंपोनेंट प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। आज का ये डिस्कशन यहीं तक रखेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और अब आपका स्टार्ट होने जा रहा है मैथ्स का डिस्कशन, राइट। और जिन लोगों ने क्वेश्चंस पहले से सॉल्व किए होंगे शायद उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत जल्द समझ भी जाते हैं उन चीजों को। लेकिन अगर उसके साथ ही साथ आप इस चीज को ऐसे करते हैं कि अभी आप सही करते जा रहे हैं, यानी आप सॉल्यूशन भी करते जा रहे हैं, तो और अच्छी बात है, आपको और सही लगेगा, राइट। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट मेरी तरफ से, हालांकि अभी आपका सेशन बाकी है। थैंक यू क्लास। Students, welcome to Galaxy Classes. Students, it is of no secret that to get better at something, you have to practice. Simple सा मतलब है दोस्तों, आप हजारों books पढ़ सकते हैं, lectures लगा सकते हैं, guides का सहारा ले सकते हैं, पर जब तक आप practice नहीं करोगे, तब तक आप life में कुछ achieve नहीं करोगे। दोस्तों, अगर मैं one day competitive exam की बात करूं, तो इसमें majorly आपके 4 subject होते हैं, English, Reasoning, Maths and GS। और अगर आप इनमें पकड़ बनाना चाहते हो तो सिंपली आप प्ले स्टोर में जाके गैलेक्सी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और हमारे डेली अपडेटेड क्विज से इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपली आपको क्विज सेक्शन पे जाके हमारे क्विज को अटेम्प्ट करना है। यहां आपको वेरियस सेक्शन के क्विज दिखाई दे रहे होंगे, आप जो भी क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप सिंपली स्टार्ट का बटन दबा के उस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें आपको एक टाइमर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी
दिखाई दे रहे होंगे. इट्स सिंपली यू हैव टू स्क्रॉल एंड मार्क द राइट आंसर. एंड आफ्टर मार्किंग ईच एंड एवरी क्वेश्चंस यू हैव टू सबमिट द टेस्ट. और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जब आप इस टेस्ट को सबमिट करोगे तो आपको पूरा एनालिसिस, अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस और आपकी जो ग्रोथ एनालिसिस है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगा. थैंक्स स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गैलेक्सी क्लासेस. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 के मैथमेटिक्स पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं. और आपका जो मॉक हुआ था 2, उसमें मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन मिले थे उसमें कुछ लोगों ने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे और कुछ लोगों के क्वेश्चन नहीं भी हुए होंगे. और कुछ लोगों ने जो सॉल्व किए होंगे वो हो सकता है उनके जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उन्होंने हो सकता है कि अलग अलग तरीके से सॉल्व किए हों. तो आज उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन मिलते हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके पॉसिबल हैं और कौन सा उसका शॉर्टेस्ट मेथड होगा जिससे हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मैथमेटिक्स पार्ट के. पहले क्वेश्चन को देखा जाए कि मैथमेटिक्स में पहला पार्ट जो आपका है वो क्या दिया गया था. चलिए, तो आपका ये पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स पार्ट के सेक्शन में जो दिख रहा है वो 5 क्वेश्चन का सेट है, वो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. चलिए, तो क्वेश्चन आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ. अच्छा, एक बात और, हम लोग ये मान के चलते हैं भाई कि अगर आप लोगों ने जो भी टॉपिक का सवाल आएगा, चाहे वो इनइक्वालिटी का हो, चाहे वो परसेंटेज हो या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो टॉपिक पहले से पढ़ रखा है. तो उन टॉपिक में हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से होता है. हम सीधे सीधे सवाल को सॉल्व करने के तरीके पर डिस्कस करेंगे. चलिए, देखिएगा, समझिएगा, बाकी हम लोग क्लास में ये सब पढ़ रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 66 है, मैथ्स का पहला क्वेश्चन है और इसमें इनइक्वालिटी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है. 2x² + 5x + 2 = 0. चलिए, इसके बाद एक और इक्वेशन दे रखा है, उसकी बात अभी बाद में करेंगे. चलो लिख ही लेते हैं यहां पर क्या दे रखा है. 4y² = 1. तो देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा सा. इसमें 5 क्वेश्चन होंगे तो एक सवाल में मैं डिटेल में समझा दे रहा हूँ करना क्या है. देखो, आपको करना ये रहेगा कि जो भी इक्वेशन रहेगा, देखो इसमें 3 टर्म होते हैं. एक टर्म होता है एक्स स्क्वायर वाला, एक होता है एक्स वाला और एक होता है विदाउट एक्स वाला. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मैं 1 को ट्रांसफर कर दूँ इधर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर वाला टर्म तो है और बिना एक्स वाला भी टर्म आ जाएगा, लेकिन एक्स वाले टर्म का कोफिशियंट 0 रहा होगा. कोफिशियंट का मतलब होता है गुणांक. तो इसको जो करने का तरीका है वो ये होगा कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशियंट होगा यानी गुणांक होगा और जो विदाउट एक्स वाला टर्म होगा, इन दोनों को आपस में विद साइन मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +2 है, तो मैं बोलूंगा 2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 2, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस में ही रिजल्ट आएगा. इसके बाद ये बन गया 4, तो हम ये बोलेंगे कि जो भी 4 आया है, अब चूंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव दिखा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो 4 है, इस 4 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 4 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन, फिर से सुनिए ध्यान से, अगर यहां पे प्लस है तो मुझे इसको एडिशन में ब्रेक करना है, अगर यहां माइनस होता है तो मुझे इसको सब्ट्रैक्शन में यानी डिफरेंस में ब्रेक करना होता है. तो यहां पर 4 है तो हम लोग बोलेंगे कि इस 4 के 2 ऐसे पार्ट करो जिसका एडिशन इस बीच वाले यानी x के कोफिशियंट दैट इज 5 के इक्वल आ जाए. तो मैं बोलूंगा भाई कि एक होता है 4 और एक होता है 1, यानी हमें बोलेंगे कि जो 4 है उस 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 1. तो 4 × 1 का मतलब एक पार्ट बना 4, एक बना 1. तो जरा देखिए, अगर 4 और 1 को मैं ऐड करूंगा तो ये बीच का नंबर 5 मुझे मिल रहा है. अब जो 5 मिल रहा है उसका साइन देखिए कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इन दोनों को एज इट इज जोड़ना है. यहीं पे लगे हाथ में एक बात और समझा दूं, अगर ये माइनस में होता 5 तो मैं बोलूंगा
कि 4 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन इस बीच वाले 5 के इक्वल हो। तो यहां पे 4-1 तो 5 हो रहा है, लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये 5 नेगेटिव है, तो इनको दोनों को जोड़ के 5 नहीं लाना है, -5 लाना है। तो मैं इनको एज इट इज नहीं जोड़ूंगा, तब मैं इनके आगे माइनस लगा के तब जोड़ूंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको प्लस ही दिया गया था, तो मैं बोलूंगा कि 4 और 1 को जोड़ने पर +5 आ रहा है। इसको बोलेंगे हम लोग स्टेप 1। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मैं स्टेप 2 की बात करने जा रहा हूं। स्टेप 2 में आपको हमेशा क्या करना है, चेंज द साइन करना है, यानी जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है। चेंज का मतलब होगा कि अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस करेंगे। तो हमने यहां पे दोनों को माइनस कर दिया, साइन को चेंज कर दिया। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो तीसरे स्टेप में हमें इसको डिवाइडेड करना है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा उससे मुझे डिवाइड करना है। तो अगर यहां 2 है तो 2 से करेंगे, 3 होगा 3 से करेंगे, 5 होगा तो 5 से करेंगे। फिलहाल 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे यहां पर, 2 से डिवाइड करेंगे यहां पर, और इस तरीके से मेरा आंसर बनेगा x की वैल्यू, ये कट भी जाएगा। तो मेरा पहला रूट मिला -2 और दूसरा मिला -1/2। तो चलिए, मेरा x का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है पहला -2 और दूसरा आ रहा है -1/2। दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग अभिनव जी को भी, गुड इवनिंग। चलिए, स्नेहा जी भी जुड़ गई हैं, अभिनव, सलेन सबको गुड इवनिंग। फटाफट आ जाओ भाई और आंसर देते रहना। अभिनव राज ने आंसर दिया है 66 का बी। चलो अभी मिला लेते हैं, बी है कि सी है क्या है देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो 4y² = 1 है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं y² = 1/4। ध्यान रखना यहां पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसके दो रूट्स मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा y = क्या बनेगा, तो +-√1/4, दैट इज +, और 1/4 का मतलब हो जाएगा 1/2। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, y की वैल्यू एक बना 1/2 और एक बना -1/2। चलो, ये हो गया आपका रूट। कंपेरिजन कैसे करते हैं, एक सवाल में मैं समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों का कंपेरिजन आपस में नहीं होगा, इन दोनों का नहीं होगा। तो किसका कंपेरिजन होगा समझ लो, इसको ऐसे समझ लो कि ये एक फैमिली है, इसके दो भाई हैं, और ये भी एक पड़ोसी फैमिली है, इसके भी दो भाई हैं। तो सगे भाइयों में कंपेरिजन नहीं होगा, लेकिन पड़ोसियों में कंपेरिजन होता है। तो हम इन दोनों को कंपेरिजन नहीं करेंगे, इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे। किससे करेंगे, इस वाले 2 को मैं करूंगा 1/2 से। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है x लेस है किससे, y से। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये -2 आ रहा था, और ये -2 अगर मैं इस वाले से कंपेयर करूंगा, तो ध्यान रखना ये -2 है, ये -1/2 है। तो जो चीज निगेटिव में रहती है, अगर दोनों चीज निगेटिव में है, तो जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो छोटा हो जाता है, और जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो बड़ा हो जाता है। तो -2 छोटा होगा -1/2 से, तो छोटा लिखा हुआ है। अब यहां की बात कर लेते हैं, माइनस को हाफ को कंपेयर करेंगे +1/2 से, तो जाहिर सी बात है कि हम बोलेंगे कि ये दोनों, तो ये निगेटिव है वो पॉजिटिव है, तो छोटा ही होगा, छोटा लिखा हुआ है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, -1/2 -1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा मेरा फाइनली आंसर आ रहा है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई ऑप्शन में ढूंढो कहां पर है। तो मैं बोलूंगा 66 का बी तो नहीं होना चाहिए यहां पर, तो एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई आ रहा है, और x इज लेस देन और इक्वल टू y c में होना चाहिए। जल्दी से आंसर सही करो भाई। अभिनव जी ने आंसर दिया 66 का b, क्या सही है आंसर, बाकी लोग भी कमेंट करें जल्दी से। तो मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया है, यहां पर 2 2 4 4 1 4 यहां पे दोनों को ऐड करने पे आ गया था, और 4 1 जब 4 हो जाएगा 5, और दोनों को नेगेटिव, और यहां पर हमें लाना था, एक सेकंड मैंने यहां गलती की है, जो मैंने समझाया था वहां पर। हाँ ठीक है, सही है। तो ये प्लस में था, चेंज कर दिया साइन को, 2 से डिवाइड कर दिया था, तो ये आ जाएगा -2 -1/2। रूट तो सही है। सरेन जी का आंसर आ रहा है 6 का a। अच्छा, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, ओके एक बार मैं फिर से देख लेता हूं। तो यहां -2 बचेगा और यहां पे बचेगा -1/2, ये चाहिए। यहां पर मैं बात करूं तो y² = 1/4 आ रहा है, दैट इज y = +-1/4 रूट में, और रूट का मतलब हो जाएगा 1/2, +-1/2 यानी +1/2 -1/2। तो अगर ये +1/2 है -1/2 है मेरे पास, मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूं, आंसर सही है। तो 66 का आंसर आ रहा है आपका सी, तो 66 का बिल्कुल सही है, आप लोग आंसर सुधार लो भाई, 66 का आंसर सी। सलेन जी 6a आप बता रहे हो, 66 का ए। अमिता जी भी ने भी आंसर दिया है ए, और नहीं, 66 का सी आंसर होगा, इसको चेक करिए। चलो, तो ये आपका आंसर बनेगा 66 का बनेगा आंसर सी। हाँ बिल्कुल सही, सैलेन जी ने अपना आंसर सुधारा है, ठीक है, तो आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 67 दिखाया जाए। 67 में बोला जा रहा है, दे रखा है पहले पार्ट में x² + x और -20 = 0।
अब की बार हम लोग तेजी से करेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें दिखा रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 30 दिखा रहा है, 67 में माइनस का 30 इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर माइनस का 30 है, माइनस का 30 इज इक्वल टू जीरो। चलो आंसर सबने सही सुधारा अपना, सी सब लोगों ने कर लिया है, ठीक है। रिया का भी आंसर सी आ रहा है, अमिता का भी आंसर सी आ रहा है और ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 67 क्वेश्चन में कहना चाह रहा है ये कि भाई ये आपका क्वेश्चन मिल गया, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ माइनस 20 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो मैं बोलूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 20 आएगा। हमें करना क्या है कि इसके हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं, यहाँ माइनस है तो जिसका डिफरेंस मैं बोलूंगा, यानी जिसका डिफरेंस इस बीच वाले के बराबर आ जाए, बीच में कोई नंबर नहीं मतलब मान लेंगे 1 है। तो जरा बताइए इस 20 के दो ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आ जाए तो मैं बोलूंगा 5 × 4, तो एक फैक्टर बनेगा 5, दूसरा बनेगा 4, 5 में से 4 को घटाओगे तो 1 आ जाएगा। बट यहाँ पे देखो ये प्लस 1 चाहिए कि माइनस 1, अगर ये प्लस 1 चाहिए तो मैं बोलूंगा यहाँ से कि 5 में से 4 घटाना है कि 4 में से 5, तो मैं बोलूंगा 5 में से 4 को घटाना है। ये हुआ आपका स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, चेंज द साइन करना है, मतलब इसको निगेटिव करना है, इसको पॉजिटिव करना है, डिवाइडेड बाई 1 कर देना है, यहाँ पे 1 है तो डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, पहली माइनस 5, दूसरी मिलेगी प्लस का 4, प्लस में लिखने की जरूरत नहीं है, बस खाली 4 ही लिख सकते हो। y की बात कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 30 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 ही अज्यूम कर लीजिए, तो 1 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 आ जाएगा। ये निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब मैं समझूंगा कि भाई इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो इस बीच वाले के बराबर आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर भी 6 × 5 = 30 कर सकते हैं हम लोग, तो एक फैक्टर बना 6, एक बना कितना 5, एक बना 6, एक बना 5, लेकिन याद रहे इन दोनों का जो डिफरेंस है अब की बार वो प्लस 1 नहीं लाना है, माइनस 1 लाना है, तो माइनस 1 लाना है तो जाहिर सी बात है 6 में से 5 नहीं, 5 में से 6 को माइनस करना है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। ये हुआ स्टेप 1। अब अगर स्टेप 1 हो गया है तो देख लो इन दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, स्टेप 2 में चेंज द साइन करेंगे और स्टेप 3 में डिवाइड कर देंगे 1 से, डिवाइड 1 से, तो यहाँ मुझे मिलेगा y इक्वल टू प्लस का 6 और यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस का 5, चलिए इसको भी प्लस ही लगा लो। अब कंपेरिजन की बात करते हैं, तो ये माइनस 5 जो 6 से है क्या छोटा है, और ये माइनस 5 के क्या है भाई इक्वल है, और ये जो प्लस 4 है वो इससे क्या है छोटा है, छोटा लिखा हुआ है, और ये माइनस प्लस का 4 जो है माइनस 5 से क्या है बड़ा है, तो एक बार बड़ा आ गया, तो आगे से याद रखिए अगर एक बार छोटा आ रहा है, एक बार बराबर आ रहा है और एक बार बड़ा भी आ रहा है, तो हम यहां से बोलेंगे आंसर सी एंड डी होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से बता रहा हूं, ये हो गया फर्स्ट मेथड, तो यहां पर हो गया सी एंड डी, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो ये था 67, इसमें आंसर बना सी एंड डी, सी एंड डी का मतलब हो गया कि इसमें रिलेशन नहीं निकलेगा, यानी पांचवा आंसर, यानी मैं बोलूंगा ई पार्ट। चलो ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका। अगली बार से आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि जब भी इक्वेशन आपको ये मिले, जब भी आपको कुछ इक्वेशन इस तरीके से मिलता है, इसको रट लेना ऐसे ही, अक्सर ये सवाल मिल ही जाता है, अगर इसमें सी पार्ट निगेटिव है, इसमें भी सी पार्ट निगेटिव है, तो बिना कुछ सोचे सीधे सीधे बोल सकते हो सी एंड डी। तो आगे से ये बात ध्यान रखना कि आंसर हमेशा सी एंड डी होगा, लेकिन कब, जब पहले क्वेश्चन में सी पार्ट जीरो होगा और दूसरे वाले में भी सी पार्ट क्या होगा जीरो होगा, तो आंसर ऑलवेज सी एंड डी होगा। चलो बाकी क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है सॉल्व करके, तो यहां पर आंसर हमारा सी एंड डी होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 67 का आंसर आएगा कौन सा, ई पार्ट, तो 67 में सी एंड डी बिल्कुल सही है सबका, सी एंड डी ठीक है। सरन जी का भी आंसर सही है, अमिता का भी आंसर सही है ठीक है, और ठीक है डीपी सिंह का भी सही है सी एंड डी ठीक है भाई। चलो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है x² - 38x है, 38x है प्लस 297 है, और दूसरा इक्वेशन अभी सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं और इसमें दूसरा पार्ट जो दे रखा है अभी उसको देखेंगे। अच्छा एक बात समझे रहना, इनइक्वालिटी का पोर्शन जब भी बैंक का एग्जाम होता है उसमें 5 सवाल आते हैं, तो इसका अच्छा खासा वेटेज होता है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी का एक भी सवाल आप ना छोड़ें और उसको तेजी से भी करें। देखो भाई अभी मैंने बताया कि यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर 297 है, तो 297 ये पॉजिटिव भी है, तो इसके दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका एडिशन इस बीच वाले 38 के बराबर आ जाए। तो अब हम बात यहाँ पर करेंगे भाई, इसके फैक्टराइज करेंगे इसको, तो देखो ये नंबर 3 से भी, ये नंबर देखो 7 और 2 9 होता है, 9 9 मतलब ये नंबर 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो इंटू मैं बोल सकता हूँ 9 9 इंटू कितना 9 3 27 बचा 2
9 और 27, यानी 9 और 33 में टूट गया। अब 9 और 33 में टूट गया तो जरा देखो क्या 9 और 33 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 38 आएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, तो 9 को 9 रहने दो, 11 × 3 कर सकते हो। चलो इसमें देखते हैं, अब बताओ दोनों को जोड़ने पे 38 होना चाहिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई अगर मैं 9 और 27 बोलूँ और 27 में अगर मैं 11 एक लेता हूँ, मैं 27 और एक लेता हूँ 11, तो 27 ले लिया 11 ले लिया, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 38 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर 38 आ जाएगा तो जरा देखो यहाँ 38 निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो मैं बोलूंगा भाई निगेटिव है, तो अगर निगेटिव लाना है तो इसका मतलब दोनों के आगे माइनस लगा देना है, दोनों के आगे माइनस करके जोड़ोगे तो माइनस 38 आ जाएगा। एक बात समझा दे रहा हूँ, ये जो मैंने माइनस लगाया है ये स्टेप वन वाला है, स्टेप टू का नहीं है। अब हम आते हैं स्टेप टू की तरफ, तो स्टेप टू में क्या बोला है, चेंज द साइन। स्टेप थ्री में डिवाइडेड बाई वन, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन है, तो वन से डिवाइड करो या ना करो। तो एक्स की वैल्यू मिल गई 27 प्लस का और दूसरा मिल गया 11, तो प्लस 27 प्लस 11। चलो जल्दी से बता दो समझ में आ गई बात यहाँ पर 68 का, तो सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, ठीक है, सरन जी ने बोला ओके सर, मतलब समझ में आ रही बात। डीपी सिंह बोल रहे हैं मेथड से इजी है, अच्छा हाँ, तो ये ऐसे सवाल होते ही हैं, इनको इक्वेशन से नहीं सॉल्व किया जाता है। दूसरे 68 की मैं बात करने जा रहा हूँ, हाँ तो 68 का जो वाई पार्ट है उसमें है वाई स्क्वायर प्लस 23 वाई एंड आगे दे रखा है 248 बराबर जीरो। सॉल्व कैसे करेंगे, ये यहाँ पे वन है, यहाँ पे 48 है, 248 माइनस का है, तो मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब होगा कि डिफरेंस लाना है और डिफरेंस 23 के बराबर होना चाहिए, तो इसको जरा देखते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 4 से कटेगा, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल, तो 8 3 24, 8 1 8, यानी 8 3 24 हो गया और 8 1 8 हो गया, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आपका आ गया 8 और 31। तो ध्यान रहे ये 8 और 31 आ गया, तो जरा देखते हैं क्या ये 8 और 31 दोनों का जो डिफरेंस है वो 23 के बराबर है, तो अगर मैं 31 एक ले लेता हूँ और 8 ले लेता हूँ तो बताइए 31 में से 8 घटा के देखते हैं क्या 23 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 23 लाना है, वो भी प्लस में लाना है, तो मतलब 31 में से 8 को घटाना है। ये जो मैंने माइनस लगाया स्टेप वन वाला है, अब स्टेप टू की बात मैं करने जा रहा हूँ। स्टेप टू का मतलब चेंज द साइन, मतलब इसको माइनस को प्लस, डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, कुछ नहीं है मतलब वन है, तो यहां से मुझे मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस का 31 कॉमा और दूसरा मिलेगा प्लस का 8। आई होप समझ में आ गया होगा, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं लेकिन आप इसको आराम से समझिएगा कि यहां पर जो हो रहा है ये सब मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, आप लोगों ने भी कभी ना कभी पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा है तो समझ लीजिए कि आपको तीन ही स्टेप करना होता है। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी साइन आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि डिफरेंस लेना है कि एडिशन लेना है। अगर माइनस में आ रहा है डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस ऐसा लेना है कि जिनका इन दोनों के फैक्टर का डिफरेंस 23 के बराबर होना चाहिए, तो मैंने 31 और 8 ले लिया, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा था, अगर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस, एक सेकंड रुकिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 31 और 8, हाँ ठीक है 31 और 8 में डिफरेंस 23 लाना था, लेकिन जो 23 लाना था वो क्या करना था प्लस में, तो मैं बोलूंगा कि इसमें से इसको घटाना है और बाद में चेंज द साइन करते हैं। चेंज द साइन क्यों करते हैं, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो वहां पर साइन चेंज हो जाता है। चलिए तो हम डिटेल मेथड की बात अभी नहीं कर रहे हैं, कंपेरिजन की बात कर लेते हैं। प्लस 27 माइनस से कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है क्या आएगा भाई, एक्स इज मोर देन वाई। 27 को 8 से कंपेयर करेंगे तो मोर ही आएगा, 11 को अगर 31 से करेंगे तो ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो मैं बोलूंगा मोर आएगा, और इस 11 को 8 से करेंगे तो मोर आएगा, इसका मतलब हर बार क्या आंसर आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर आ रहा है एक्स इज मोर देन वाई। कौन से ऑप्शन में है चेक कर लो, तो मैं बोलूंगा सही 68 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, तो 68 में एक्स इज मोर देन वाई, एक्स इज मोर देन वाई कहाँ पे दे रखा है, बी पार्ट, तो भाई जल्दी से बता दो बी पार्ट सही है 68 में, बी पार्ट 68 का बी पार्ट बिल्कुल सही है। 27 11 31 माइनस 8 है कि माइनस 31 8 है, साइन चेक करो अमिता जी का, 31 माइनस 8 आ रहा है, एक बार साइन चेक कर लो फिर से। तो चलो भाई ओके ओके बोला है सब लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 की बात कर लेते हैं, 69 दिखाया जाए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहना चाह रहा है, 69 में बोला जा रहा है 6x² माइनस 6x² माइनस 107x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, और y पार्ट अभी बाद में देखेंगे, पहले इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो भाई y बाद में देखते हैं, यहां माइनस 18 यहां 6 है, तो क्या करेंगे 6 × 18 करेंगे
और ये पॉजिटिव या निगेटिव तो रिजल्ट माइनस में आएगा। एक बात सावधान रहिएगा, 18 को मल्टीप्लाई मत करना, 18 3 54, 18 6 108 मत बोल देना। मतलब कहने का ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आगे मुझे तो फैक्टर करना ही है तो मल्टीप्लाई क्यों करूं मैं। तो चलिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर आना चाहिए, बीच वाले के। तो यहाँ पर डिफरेंस की बात हो रही है, देखो ये माइनस में है मतलब डिफरेंस चाहिए, और ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 107 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग एक काम ये कर सकते हैं, चलो यहाँ पे तो 18 6 108, तो ये तो पूरा 108 ही हो रहा है, तो यहाँ पर तो इसको मल्टीप्लाई कर ही लो। तो अब 108 आ रहा है, 108 के दो फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 107 के बराबर हो। तो मैं बोलूंगा एक होगा 108 और एक होगा, देखो यहाँ पर 1 × 108 लिख सकते हो, तो एक हो जाएगा 108 और एक हो जाएगा 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो -107 के बराबर होना चाहिए। तो -107 कब होगा, जब ये निगेटिव होगा, तो मतलब 108 निगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। अब क्या करेंगे, चेंज द साइन कर देंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाई करेंगे 6 के और डिवाइडेड बाई करेंगे 6 से, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। 6 से काटते हैं इसको, तो 6 × 6 हो जाएगा, बचा 4 मतलब 48, 6 × 48 मतलब 18 पॉजिटिव, और यहाँ पर तो 1/6 है, माइनस का 1/6, ये मेरा x का वैल्यू मिला। जल्दी बताओ x का वैल्यू समझ में आ गया सबको, तो आंसर कुछ लोग बता रहे हैं, अच्छा 69 का आंसर कुछ लोग बता रहे हैं सीएनडी है, और रिया बता रही हैं कि y इज लेस देन है x से, अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा तो एक काम करते हैं, दूसरा वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि भाई 2y square -19y माइनस का 91। चलो भाई जल्दी से साथ साथ सब लोग रहो और तेजी से डिस्कस कर लेते हैं, समय कम रहता है तो जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतना हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। अच्छा तो यहाँ 91 है, यहाँ पे 2 है, नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगा 2 × 91 हो जाएगा, चेक कर लें, सही है 19 है 91 है, ओके बिल्कुल सही है, माइनस माइनस दोनों है। तो यहाँ पर 2 × 91 ली, माइनस में प्लस में है तो रिजल्ट माइनस में आएगा। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि इनका डिफरेंस जो है वो 19 के बराबर होना चाहिए। तो इस 91 को हम बोल सकते हैं 19, कितनी बार किसके पहाड़ी पे आता है, 91 किससे टूटेगा भाई, 91, और इनका डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 69, में आपका तो ये किसके पहाड़े पे आएगा, 13 के पहाड़े पे आता है, 13 × 91, 13 और 7 में टूटेगा, और ये दो पहले से था, ठीक है 13 × 91 होता है। अगर ये ना टूटता, मान लो ये प्राइम नंबर होता, तो फिर हमारा ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो जाता, फिर ये सॉल्व ना हो पाता, इसके रूट्स प्रॉपर नहीं मिलते। फिलहाल टूट रहा है, इसका मतलब ये बनेगा, याद रहे दो चीज़ों का डिफरेंस मुझे 19 के बराबर लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 19 के बराबर मुझे डिफरेंस लाना है, तो 13 × 26 में से 7 अगर ले लेते हैं तो बनेगा 26 × 7 = 19, बिल्कुल सही है। तो एक फैक्टर बनेगा 26 और एक बनेगा 7। तो देख लो भाई कि मैंने इसको तोड़ दिया भाई, 13 × 91 होता है, 2 यहाँ मिल गया, 13 को 2 से मिला लिया, 26 हो गया और 7 को अलग रहने दिया। 26 और 7 का जो डिफरेंस है वो देखो 19 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल दोनों में अंतर जो है 19 के बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ निगेटिव चाहिए, तो मतलब 26 को माइनस में रखना पड़ेगा और इसको प्लस में। ये स्टेप वन हुआ, अगर ये स्टेप वन हुआ तो स्टेप टू में साइन को बदल दीजिए और डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए। तो यहाँ से वाई की वैल्यू मिल गई प्लस का 13 और यहाँ से मिल गया 7/2। चलो आइए तो 18 को जरा मैं बोलूँ, 18 को अगर 13 से कंपेयर किया जाए तो 18 पॉजिटिव 13 पॉजिटिव, तो मतलब मैं बोलूंगा x इज मोर देन y। दूसरे की बात करते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो मोर ही आएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है तो ये लेस आ जाएगा, तो x इज लेस देन y। आगे जरूरत नहीं है चेक करने की, जब एक बार लेस या एक बार मोर आ जाए तो हम बोलेंगे कि आंसर मेरा सीएनडी हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए भाई कि अगर एक बार लेस और एक बार मोर आ रहा है तो लेस और मोर को मिलाकर कोई सिंबल नहीं बनता है। देख लो, अगर x इज लेस देन y है और दूसरा है x इज इक्वल टू y है, तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर कभी ऐसा लिखा हो x इज ग्रेटर देन y और दूसरा लिखा हो x इज लेस देन y, तो इनको मिला करके क्या हम लोग ऐसा सिंबल कभी देखा है, एक बार लेस हो एक बार मोर हो, ऐसा सिंबल तो ऑप्शन में मुझे दिया नहीं है, तो फिर हम इसको सीएनडी ही बोलते हैं, मतलब रिलेशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो 70 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 का आंसर सीएनडी होगा, यानी ई पार्ट।
69 का आंसर ई पार्ट आ रहा है, सीएनडी सीएनडी, ठीक है भाई, सब लोगों ने सीएनडी दिया आंसर, बिल्कुल सही है। सेलेन का भी आंसर सही आया, रिया का भी आंसर सही आया है, डीपी का भी आंसर सही आया है, अमिता का भी आंसर, सब लोगों ने आंसर सही दिया है। ओके वेरी गुड। 70 क्वेश्चन दिखाया जाए भाई, जल्दी से देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, आगे की बात कर ले, क्या दिया है, माइनस का 3 इक्वल टू 0। चलो वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई, माइनस का 6 इक्वल टू 0। देखो इसमें तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपको मिले हैं, मैंने जो इसको ऑनलाइन जो मैंने क्लास में कराया है, अभी एक बैच चल रहा है बैंकिंग का, उसमें मैंने कराया, उसमें मैंने अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, तो इसमें तो छोटे सवाल हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के भी सवाल लिए हैं, छोटे बड़े सारे लेवल के सवाल लिए हैं। तो हम लोग किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम लोग 70 की बात कर रहे हैं, तो 70 को फटाफट करते हैं भाई। कोई आंसर बता रहा है 70 का, अभी तक तो मुझे कमेंट में नहीं दिख रहा है 70 का आंसर, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 3 है माइनस का, यहाँ पे 1 है, तो मैं बोलूंगा माइनस 3, और माइनस में आ रहा है इसका मतलब मैं बोलूंगा कि इसका डिफरेंस किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 3 माइनस 3 है, तो मैं 3 और 1 ही ले लेता हूँ, तो मैं बोलूंगा 3 और 1, मतलब 3 और 1 ले लेते हैं। तो 3 और 1 का जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस 2 है, तो 3 को माइनस में रखो और 1 को प्लस में। ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 चेंज द साइन करें, स्टेप 3 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, क्यों, यहाँ पे 1 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई और माइनस 1 आ गई। बात समझ में आ रही होगी सबको। y की वैल्यू बात करते हैं, यहाँ 6 है माइनस में, तो माइनस का 6 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब बोलूंगा इस 6 के दो ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस बीच वाले के बराबर हो, कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब 1 है। तो मैं बोलूंगा कि इस 6 के दो ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 के बराबर आ जाना चाहिए, तो मैं बोलूंगा 6 1 6, तो 1 होगा 6, 1 होगा 1, 6 का और 1 का जो डिफरेंस है 1 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ माइनस 1 है, तो 6 को माइनस में रखना है और 1 को पॉजिटिव रखना है। ये हुआ स्टेप 1। स्टेप 2 बोलता है साइन को बदल दो, और स्टेप 3 बोलता है डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी 6 और माइनस का 1। चलो 3 जो है वो 6 से क्या है, जल्दी बोल दो, 3 जो है 6 से क्या है, लेस है, ठीक है। 3 जो है माइनस 1 से क्या है, 3 6 से क्या है भाई, लेस है, और 3 जो है माइनस 1 से क्या है, मोर है। तो एक बार लेस आ गया, एक बार मोर आ गया, तो कुछ मत बोलो, सीधे सीधे बड़ा बड़ा सीएनडी लिख देते हैं। चलो तो आंसर सीएनडी, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर भी सीएनडी, वेरी गुड, सीएनडी सबका आंसर है। अच्छा डीपी ने अपना आंसर दिया है, ये माइनस किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्लस 2 माइनस 1 और प्लस 5 माइनस 1 एंड सीएनडी, आपके रूट्स कुछ और आ रहे हैं, तो एक बार। अच्छा अमिता जी का आंसर 70 का ए बता रही हैं, 70 का ए एक बार फिर से चेक करो भाई, सीएनडी आ रहा है इसमें भी। देखो इक्वेशन तो मैंने सही लिखा है ना, इक्वेशन तो मैंने सही लिखा है, तो इसका मतलब आंसर भी सही होना चाहिए, सोल्यूशन भी सही है। चलो एक बार चेक करिएगा, बाद में आप लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्लाइड दिखाया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने भी 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इनइक्वालिटी के, यानी ये 5 नंबर आपके पक्के हो गए हैं, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो याद रखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल क्या है देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अच्छा अगला क्वेश्चन मुझे डीआई का दिख रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डीआई दिख रही है, तो डीआई की बात कर लेते हैं। तो जल्दी से देखते हैं भाई, डीआई में देखो मैं पढ़ दे रहा हूँ, डीआई आपको भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें दिख रहा है द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। अलग अलग 5 ब्रांचों में आपको बॉयज एंड गर्ल्स दिख रहे हैं, बॉयज काले से है और गर्ल्स व्हाइट से है, और यहाँ पर आपको ये बार चार्ट में दे रखा है। तो मैं सीधे 71 क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा कोई डेटा नहीं दिया इसमें, बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या वगैरह कुछ भी नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं है। तो पहला सवाल क्या कर रहा है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा तो मैं यहाँ पे सवाल कोट कर दे रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम सीएस ब्रांच। अच्छा तो सीएस में बॉयज, देखो सीएस में बॉयज, सीएस ब्रांच में बॉयज, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में जो बॉयज हैं, और टू द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम केमिकल ब्रांच, केमिकल में गर्ल्स चाहिए। चलो तो मुझे यहाँ पे इसका रेशियो चाहिए, तो कैसे करना है, आपको डेटा दिख रहा है फटाफट देख लेते हैं। अच्छा इसमें वैल्यू दे रखी है, तो फटाफट देखिए सीएस में बॉयज, बॉयज सीएस में कितना है भाई, सीएस में बॉयज का मतलब ब्लैक वाला पोर्शन है, और ये देखो 100 और 150 के बीच में 1 2 3 4 5 स्टेप हैं, इसका मतलब 10-10 का गैप होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा सीएस में जो बॉयज होंगे वो 100 से 1 2 3 स्टेप आगे हैं, यानी 130 होना चाहिए। केमिकल में गर्ल्स चाहिए, केमिकल में गर्ल्स सबसे किनारे है, और केमिकल में गर्ल्स अगर देखा जाए तो व्हाइट वाला पोर्शन, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 100 से 1 2 3 स्टेप आगे है केमिकल में गर्ल्स, तो इसमें रेशियो 1:1 आना चाहिए। 1:1 तो दिया ही नहीं है, फिर से देखते हैं।
आपको बोला गया है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द सीएस. अच्छा मैंने उल्टा देख लिया, सीएस में गर्ल है भाई, सीएस में गर्ल्स है और केमिकल में क्या है, सीएस ब्रांच टू द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम केमिकल ब्रांच. अच्छा दोनों में ही गर्ल्स हैं, तो याद रहे दोनों में ही गर्ल्स हैं. तो मैं फिर से देख लेता हूं सीएस में गर्ल्स का रेशियो कितना है. सीएस में जो गर्ल्स दिख रही हैं वो 250 से एक स्टेप नीचे है, मतलब 240, एक स्टेप का मतलब 10 होगा. और केमिकल में गर्ल्स अगर मैं बात करूं तो केमिकल में गर्ल्स जो है वो 100 से तीन स्टेप ऊपर है, मतलब 130. 00 कटेगा और तो कुछ कटेगा नहीं, 13 प्राइम नंबर होता है तो 24-13 आंसर होना चाहिए. चेक करते हैं 71 में 24-13 मतलब डी पार्ट. देखते हैं भाई कमेंट में क्या लिखते हैं आप लोग. तो 71 का जल्दी बोल दो डी. 71 मुझे कमेंट लेट दिख रहा है क्या. अच्छा तो ठीक है भाई, आप लोगों ने आंसर दिए हैं और चलिए तो आगे बढ़ते हैं. 71 का आपका आंसर होगा डी. कमेंट थोड़ा मुझे देर में दिख रहा है, अभी मुझे 71 में किसी का कमेंट दिख नहीं रहा है. चलो आई होप सही होगा, मैं अभी इसके क्वेश्चन के बाद चेक कर लूंगा. हाँ ठीक है भाई, सलेन जी ने आंसर दे दिया है, दिख गया मुझे 71 का सी. 71 का सी, सी का मतलब 71 का सी 13 24 हाँ डी सही है. चलो अमिता जी का आंसर सही है, तो ये ऑर्डर सही कर लेना भाई. 72 की बात करते हैं, 72 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है. 72 क्वेश्चन बोला जा रहा है द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम आईटी ब्रांच इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज. देखो मैं इसको बना दे रहा हूं, परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज ये ऐसे ही बनता है, याद रहे. 72 में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम आईटी ब्रांच, आईटी मतलब आईटी में बॉयज. अच्छा एक कोड कर लेते हैं, जहां पे बॉयज लिखना होगा वहां पर मैं प्लस का इस्तेमाल कर दूंगा, मतलब आईटी में प्लस मतलब बॉयज. द नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम आईटी ब्रांच इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस. अच्छा तो आईटी में जो लड़के हैं वो टोटल लड़कों का कितना परसेंट है और किस ब्रांच की बात कर रहा है. टोटल नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस, तो सभी ब्रांचों में जितने लड़के होंगे उनको जोड़ना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, पहले मैं यहां पर कहीं टोटल लिख लेता हूं, टोटल बॉयज कितने होंगे ये निकाल लेते हैं. चलिए काउंट करते हैं टोटल बॉयज. तो मैं यहां से देख पा रहा हूं टोटल बॉयज जो होंगे, तो सीएस में तो बॉयज मुझे देख रहे हैं 150 से दो स्टेप नीचे है, मतलब 130. और इसमें मुझे 250 से एक स्टेप नीचे है, 240. और आईटी में जो बॉयज हैं वो 150 से एक स्टेप नीचे है, मतलब 140. और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हैं वो 100 से एक दो स्टेप ऊपर है, मतलब 120 होना चाहिए. और केमिकल में जो बॉयज हैं वो एग्जैक्टली 150 हैं, केमिकल में जो बॉयज हैं. तो ऐड कर लो भाई 00 5 2 7 7 4 11 11 4 15 15 3 18 5 1 1 2 3 4 5 6 7 780. तो मैं बोलूंगा यहां पर आपका आना चाहिए 780. और याद रहे आईटी में जो बॉयज था वो कितना था, तो मैं बोलूंगा आईटी में जो बॉयज था वो अभी हम लोगों ने लिखा था तीसरा आईटी था, तीसरा का मतलब हो जाएगा 140. तो यहां पर 140 हो जाएगा, इसी को सॉल्व करना है. 00 कटेगा, 14 से भाड़ा पढ़ लेते हैं, तो मैं बोलूंगा तो 14 से कट जाएगा भाई पूरा पूरा. अप्रॉक्सिमेटली पूछ रहा है क्या, अप्रॉक्सिमेटली पूछ रहा है तो कोई बात नहीं है, 14 का पहाड़ा पढ़ लो भाई. अगर बोलूं 14 × 5 = 80, अगर ये 5 गुना होता तो मतलब अगर मैं 80 मान लूं तो ये 5 बार कट रहा है 14 से, तो अगर मैं बोलूं 5 बार कट रहा होगा तब तो ये 20% आना चाहिए. लेकिन एक बात ध्यान दो, अगर ये 80 होता तो 14 × 5 = 70 होता है, 14 × 5 = 70. तो अगर मैं बोलूं कि ये 70 मान लेते हैं, अगर ये 70 होता तो 5 बार कट जाता, यानी मैं बोलूंगा 20%. लेकिन एक बात बताओ, ये 70 नहीं है, ये एक्चुअली कितना है, 78 है. ये मैंने सही जोड़ा है, 00 00 00 00 और 5 2 7 7 4 11 11 4 15 15 3 18 के 8 हासिल है 1 1 2 3 4 5 6 7 780 सही है. तो मतलब मैं बोलूंगा कि अगर ये 14 14 × 5 = 70 होता है, अगर बोलूं कि ये 70 होता तो मेरा आंसर कितना आता भाई, 1/5 मतलब 20%. बट ये एक्चुअली 70 नहीं है, ये 78 है, मतलब नीचे कुछ ज्यादा है. और जब किसी फ्रैक्शन में नीचे कुछ ज्यादा होगा तो उसका ओवरऑल आंसर कम आएगा. तो यानी मैं एक बात तो बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर 20% से थोड़ा कम होना चाहिए. जरा बताओ 20% से थोड़ा कम जो आंसर आना चाहिए, तो इसका मतलब 36, इसका मतलब 23 नहीं हो सकता है, 28 नहीं, अरे इसमें तो 18 लगा दो फिर सीधे सीधे,
तो इसमें तो मैं बोलूंगा ए पार्ट आंसर होना चाहिए, 20 से कम तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 18, तो इसका आंसर 18 होना चाहिए। चलो भाई जल्दी से बताओ 72 का आंसर क्या बोल रहे हो आप लोग, 72 का ए, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ 18%, अमिता ने आंसर 18% निकाला है, मतलब ए पार्ट है 18%, बिल्कुल सही है, सबका आंसर आ गया 18%। अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ईसीडीआई का तीसरा सवाल है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस टुगेदर। ओहो 73, तो मतलब आपको निकालना क्या है, एवरेज ऑफ बॉयज फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस, एवरेज का मतलब होगा सम अपॉन नंबर। अच्छा अभी बॉयज को हम लोगों ने जोड़ा था, अब मैंने तो हटा दिया है, लेकिन बॉयज को मैंने जोड़ा था 780 दिख रहा था, तो भाई बॉयज हमने जोड़ा था 780 सभी ब्रांचों में दिख रहा था। ये देखो कभी कभी होता क्या है, पिछला डेटा अगले क्वेश्चन में काम आ जाता है, तो अगर मैं बोलूं कि 780 था आपका, तो 780 कितने ब्रांचेस थे देख लो भाई ग्राफ में, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर 780 को 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो मैं बोलूंगा कि ये एवरेज वैल्यू आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा 2, 5 5 25, बचा 3, 5 6 30, तो 156 के करीब करीब ये मेरा आंसर एग्जैक्टली आ रहा है। तो 156 किस ऑप्शन में दे रखा है, सी पार्ट, तो मैं बोलूंगा कि 73 का मेरा सी आंसर होना चाहिए, मिला लो भाई जल्दी से, 73 का सी बिल्कुल सही है, अमिता ने आंसर सही दिया है, हाँ 156 यानी 73 का सी बिल्कुल सही है। हाँ सलेन जी का भी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही, ठीक है दिख गया मुझे, कमेंट दिख गया 156, डीपी ने भी आंसर सही दिया है, वेरी गुड। 74 की तरफ बढ़ते हैं, 74 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस टूगेदर। देखो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स का आपको अंतर बताना है, तो बॉयज एंड गर्ल्स में जो अंतर बताना है, 780 अभी तो आया था, तो अभी हम लोगों ने बॉयज काउंट किया था टोटल, देखो इस सवाल में भी बॉयज हमें काम आ गया, अब हमें गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स टोटल चाहिए, और जब हमें गर्ल्स मिल जाएगा तो हमें 74 क्वेश्चन में बताना क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस टुगेदर। तो आपको गर्ल्स को भी जोड़ लेना है बस, तो जल्दी से देख लें गर्ल्स कितनी कितनी है भाई, चलो इसको कंप्लीट कर दे रहा हूं, हालांकि छोटा सवाल है ये। देखो अगर मैं बोलूं कि भाई सीएस में गर्ल्स कितनी है, तो 250 से एक स्टेप नीचे है, मतलब 240 है, और अगर मैं बोलूं कि मैकेनिकल में गर्ल्स कितना है, तो मैं बोलूंगा भाई 150 से एक स्टेप आगे, मतलब 160 है। आईटी में गर्ल्स कितनी है, तो मैं बोलूंगा आईटी में 200 से दो स्टेप नीचे है, मतलब 180 होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बोलूंगा कि भाई गर्ल्स कितना है, तो 150 से एक स्टेप नीचे, मतलब 140 होना चाहिए। और अगर मैं बोलूं केमिकल में कितना है गर्ल्स, तो 150 से दो स्टेप नीचे है, मतलब 130 होना चाहिए। चलो तो गर्ल्स को जोड़ लेते हैं और बॉयज में अपना डिफरेंस बता देंगे, 0000 यानी 0 आ जाएगा। दूसरा वाला लेते हैं, दहाई अंक 4 6 4 10, 18 18 4 22, 22 और 3 25, 25 मतलब 5, बचा कितना 2 2 3 4 5 6 और ये 2 6 2 8 850, 850 780, तो मैं बोलूंगा अंतर कितने का यहाँ पर, तो 780 800 में अंतर कितने का, 800 होने में 20 पीछे है, तो 20 यहाँ से और 50 यहाँ से, तो मैं बोलूंगा 70 आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर 70 आएगा, 70 का मतलब किस ऑप्शन में दिया है, डी पार्ट, तो मैं यहाँ बोल पाऊंगा कि भाई इसका जो आंसर आना चाहिए वो डी पार्ट होना चाहिए। तो जल्दी से देख के बता दो 74 का डी बिल्कुल सही है, डी पी ने आंसर बता दिया 74 का डी, अमिता जी ने भी आंसर बता दिया 74 का डी, अभिनव जी ने भी आंसर सही दिया है 74 का डी, तो आई होप सबका आंसर सही आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है, सेवेंटी फाइव में बोला जा रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम मैकेनिकल इज अप्रोक्सीमेटली। देखो गर्ल्स मैकेनिकल में, तो मैं बोलूंगा मैकेनिकल में गर्ल्स इज कितना अप्रोक्सीमेटली, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर, 75 क्वेश्चन नंबर है ये, 75 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 बोला जा रहा है द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम मैकेनिकल, ठीक है, द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम मैकेनिकल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस टुगेदर। तो ये सवाल भी वैसे ही है, तो आपको क्या करना है, मैकेनिकल में गर्ल्स पता करना है, तो मैकेनिकल में गर्ल पहले मैं देख लेता हूं कितना है,
मैकेनिकल में गर्ल्स कितना परसेंट है, मैकेनिकल में ही सभी गर्ल्स का टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस, फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस, ठीक है। तो भाई देखते हैं, फिर से आते हैं ग्राफ पे और ग्राफ में मैकेनिकल में देख लेते हैं फटाफट कि गर्ल्स कितनी है। 150 से एक स्टेप ऊपर है, तो मैकेनिकल में गर्ल्स 160 है। और अगर मैं बोलूं कि टोटल में गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल गर्ल्स सभी ब्रांचों को मिलाकर, टोटल गर्ल्स अभी निकाला गया था, कुछ डेटा मुझे याद नहीं आ रहा कितना था भाई, तो मैं बोलूंगा कोई जल्दी से कमेंट करके बताए कितना था, 840 कितना था, जो भी था। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, ये पिछली बार हम लोगों ने ये निकाल चुके हैं, हम लोग इसको निकाल चुके हैं, तो जितना भी आया होगा इसमें आप परसेंटेज बना के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं अभी और अगले मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, ये आपके लिए है, ट्राई करिएगा, आई होप सबका आंसर सही आया होगा। चलो तो मैं चलो तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। 71 दिखाया जाए क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है, 76 तो क्वेश्चन नंबर 76 दिखाया जाए क्या है। ये क्वेश्चन एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है और ये आपका मेंसुरेशन पार्ट का क्वेश्चन है। देखो भाई, तो अगर मैं बोलूं कि 76 में क्वेश्चन में 76 इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, देखो क्या कह रहा है, द एंगल बिटवीन बेस डायमीटर एंड स्लैंट हाइट इन अ कोन इज 60 डिग्री। देखो ये होता है कोन, ये कोन है, ऐसे ही कोन होगा ये, और इसमें बोला जा रहा है कि ये इसका डायमीटर है पूरा पूरा, तो जो डायमीटर है और ये स्लैंट हाइट है, इसके बीच में एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, इसका डायमीटर 42, तो याद रहे ये 42 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जाहिर सी बात है रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। एक बात आपको और बता दें, रेडियस हमेशा 7 या 7 के मल्टीपल पर ही मिलता होगा आपको हमेशा, अगर रेडियस 7 या 7 का मल्टीपल नहीं देगा, क्योंकि मुझे पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो अगर रेडियस मेरा, अगर मेरा रेडियस मैं बोलूं, अगर मेरा रेडियस जो है वो 7 के टेबल पे नहीं होगा तो फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, फिर ये डेसिमल में आ जाएगा। तो एग्जामिनर की कोशिश ये रहती है कि जब भी वो यहाँ पे 7 नहीं 21 है, तो एग्जामिनर की कोशिश ये रहेगी, इसका आधा 21 होगा, एग्जामिनर की कोशिश ये रहती है कि हमेशा जो रेडियस दिया जाए वो आपका 7 के टेबल पे यानी 7 के मल्टीपल पर ही होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये आपका 42 साथ ये 21 हो जाएगा रेडियस। आगे की बात कर लेते हैं, 76 में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अच्छा, तो आपको बोला जा रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखना कर्व सरफेस एरिया का मतलब CSA होता है, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो उसका राउंड वाला पार्ट होता है, और वो होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लैंट हाइट 1/2। तो मैं बोलूंगा पाई आर एल होता है, जिनको फॉर्मूला नहीं पता है वो समझ लें, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू जरा बताइए कितनी होती है, 22/7, आर की वैल्यू मुझे पता है 21, ये मिला है। अब सवाल ये उठता है कि मुझे L की वैल्यू चाहिए, L की वैल्यू मिल जाएगी तो आंसर आ जाएगा। अब यहां पर चूंकि ये 90 डिग्री का होगा और ये 21 है, ये 60 डिग्री है, तो यहां पर थोड़ा सा साइन कॉस भी लग रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा यहां पे देखो, अगर ये 90 डिग्री है 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री हो जाएगा तो इसके सामने लंब होता है और 90 के सामने कर्ण होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 का मतलब होता है, साइन 30 का मतलब 21 लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर इस 30 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, और ये क्या है आपका एल है, तो 21 बटा एल, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, तो 21 बटा एल यानी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और साइन 30 का मतलब होगा लंब बटा कर्ण यानी 21 बटा एल, तो 21 बटा एल, एल इधर आ जाएगा और साइन 30, रुको, साइन 30 की वैल्यू 1/2 21 बटा एल, तो एल इधर आ जाएगा तो ये 42 हो जाएगा, यानी लेंथ जो इसकी मिली, स्लैंट हाइट जो मिली है वो 42 है। तो मैं बोलूंगा यहां पर 42 लिख देंगे और 7 से एक बार कटेगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। देखो इसमें ननाब्दीज दिया है कि नहीं दिया है, इसमें ननाब्दीज नहीं दिया है, लेकिन आपको ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लास्ट में 6 दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा देखो 3 × 6 और 6 × 12, लास्ट में 2 होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2। 76 में आंसर में देखते हैं, लास्ट में 2 तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो नो नीड टू कैलकुलेशन, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की, फटाफट देख लो 76 में आपको लास्ट में क्या दिख रहा है भाई, एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर होना चाहिए ए। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, कैसे चेक किया हमने, फिर से सुनो, इकाई अंकों को खाली चेक करो बस, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 3 में, तो 2 × 3 = 6 और 6 × 12, 12 का मतलब लास्ट में 2, लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आगे बढ़ लो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ समझ में आ गया सबको। 76 का आंसर होगा ए, 76 का ए, वेरी गुड वेरी गुड। अमिता का भी आंसर सही हो गया है भाई, सैलेन जी ने भी आंसर सही दिया है, अभिनव का आंसर भी सही है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77, अगला क्वेश्चन दिखाइए क्या है। 77 में क्या बोल रहा है, इन अ कार देयर आर, देखो बोला जा रहा है कि एक कार में 12 आदमी है। देखो ये कार है कोई, चलो कोई कार है तो कार है, या कोई कुछ भी मान लेते हैं, चलो भाई ये कार है, ये लो कार है। तो बोला जा रहा है कि एक कार में 12 आदमी है, ओके इसमें 12 आदमी बैठे हैं, कौन सी कार है भाई 12 आदमी बैठे हैं, चलो होगी कोई सी, हुज एवरेज वेट इज डिक्रीज बाई, तो याद रहे इनका जो औसत है, औसत वजन, इनका औसत वजन क्या था मुझे नहीं पता है, इनका औसत वजन जो है उसमें 1.5 किलो क्या हो गया है, इंक्रीज बाई 1.5 केजी। तो इनका औसत वजन 1.5 केजी बढ़ गया है, लेकिन कब, कब, जब इसमें से एक आदमी चला गया है और दूसरा आदमी आ गया है, और जो आदमी गया है वो 70 किलो का था, ओके, और जो न्यू कमर आया है, न्यू मैन, उसका आपको वजन बताना है कितना होगा, जो नया बंदा आया उसका वजन बताना है कितना होगा, जो प्रतिस्थापित किया गया है पहले वाले से। तो देखो इसका लॉजिक क्या है, समझो हम लोग टॉपिक में इसको पढ़ते हैं, बस आप थोड़ा सा भी आइडिया लगा लो कि अगर इस कार में या घर में या कहीं पर भी 12 लोग बैठे हैं और इनका औसत वजन कुछ भी रहा होगा मुझे नहीं पता है, एक आदमी से मैं उतर के गया और दूसरा नया आदमी आ गया, अब तुम मुझे ये बताओ, एक आदमी अगर 70 का गया है, नया वाला आया है, अगर जो गया है वो 70 का है, जो नया वाला आए अगर वो भी 70 किलो का होता, एक आदमी गया एक आ गया, जितने आदमी थे उतने अभी भी हैं, अगर एक आदमी गया 70 किलो का, दूसरा 70 किलो का ही होता, तो मैं बोलता भाई औसत पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, जितना उस पे कार पे लोड था अभी भी उतना ही लोड है, यानी मैं बोलूंगा कि औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट एक पुराने आदमी के जाने से नए आदमी के आने से औसत बढ़ गया, औसत बढ़ गया इसका मतलब जो आदमी नया वाला आया है, इसका मतलब जो नया वाला आदमी आया है वो 70 किलो तो होगा ही होगा, और 70 किलो से कुछ ज्यादा ही लेके आएगा, मतलब समझो मैं ये बोल सकता हूं कि जो नया वाला आदमी आया है वो 70 किलो का होता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन यहां पर एवरेज बढ़ा है, एवरेज बढ़ेगा कैसे, जो आदमी नया वाला आया है वो 70 तो लेके आया होगा प्लस कुछ और लाया होगा, प्लस कुछ और लाया होगा, यानी माइनस नहीं होगा, 70 प्लस का होगा वो। अब औसत पे कितने का प्रभाव पड़ा है, 1.5, औसत पे बढ़ने का मतलब 1.5 मतलब हर एक आदमी पे बढ़ गया, तो जरा बताओ अगर मैं बोलूं कि औसत 1.5 बढ़ा है, इसका मतलब हर एक आदमी 1.5, तो 1.5 कितनी बार, 12 बार, तो मैं बोल सकता हूं 1.5 × 12, तो 70 किलो का तो होगा ही होगा, और अगर मैं बोलूं कि 12 का डेढ़ गुना, 1.5 का मतलब 12 का डेढ़ गुना, तो 12 का आधा होता है 6, 6, 6, 6 मतलब 18, तो मतलब मैं बोलूंगा जो नया आदमी आया है 70 किलो प्लस 18 किलो और होगा, तो बताओ कितना जाएगा, 88 केजी का। तो ये वाला जो आदमी आया है वो 88 केजी का होगा, और 88 केजी किस ऑप्शन में दे रखा है, सी में, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो 77 है उसका आंसर होना चाहिए सी। आंसर बता दो फटाफट सब लोग, अमिता का आंसर आ गया भाई सी आ गया है, 77 का सी आ गया, ठीक है 88 किलो, ठीक है आपने आंसर बता दिया है, ऑप्शन भी बता दिया है 77, तो 77 का आंसर आपका आ गया है, ठीक है, तो आई होप सबका आंसर आ गया होगा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 78 की तरफ बढ़ते हैं, चलो 78 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 में कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 बोला जा रहा है कि ओनली टू कैंडिडेट आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, ठीक है एक चुनाव में भाई केवल दो ही लोग गए हैं, ठीक है, अ पर्सन हु गॉट 38% ऑफ वैलिड वोट्स लॉस्ट बाई, देखो इसमें मैं बोलूंगा जो हारा है, देखो एक होता है विनर, एक है आपका विनर और एक है लूजर, तो विनर और लूजर, तो बोला गया है कि जो बंदा हार गया है वो 38% वोट पाया, 38% ऑफ वैलिड, ये 38% पाया है और हार गया कितने से, और ये जो है 38 पाया, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 100% मान लेते हैं 38% ये पाया है, इसका मतलब बोलूंगा ये 82% वोट पाया होगा, तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, देखो 38 है ये और इसका है कितना, अगर 38% ये पाया है तो मैं बोलूंगा 82% कौन पाएगा, जीतने वाला, तो इन दोनों में जो अंतर है देखो कितने का है, ये 40 और दो मिला लेंगे 40 और 40 और ये 44 का, तो मैं बोलूंगा 44% का अंतर आ रहा है यहां पर, फिर से समझ लो भाई, देख लो आपके क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और 5% वोट क्या हो गए थे भाई, अवैध हो गए थे, ठीक है उसकी बात बाद में कर लेंगे, 5% वोट, तो जरा एक बात बताइए, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने वोट पड़े हैं जो वैलिड हैं, उस वैलिड में से अगर हारने वाले को 38% मिला है, तो जाहिर सी बात है जीतने वाले को कितना मिला होगा, 82%, 38, 39, 40, 82 नहीं, ये होगा
62%। अब अगर मैं अंतर की बात कर लेता हूं इन दोनों में, तो अगर ये 62 है तो जरा बताओ कितने का अंतर है, ये दो मिलाएंगे 40 हो जाएगा और 22 उधर 24, 24 का अंतर होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा अंतर कितने का है 24, तो मैं बोल सकता हूं यही 24% बराबर आपको दे रखा है, कितने वोटों से हार गया था वो 912 से। तो 24 की वैल्यू अगर 912 है तो हम यहां से बोलेंगे 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू कैसे देखो ये 8 से कट रहा है, अगर बोलूं 24% की वैल्यू 912 है तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगा, चलो 4 से काट लेते हैं भाई, नहीं कट रहा है तो चलो हटाओ, 4 से काटते हैं, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 1 और 4 × 8 = 3, 4 × 8 = 32 और कटेगा 6 से कटेगा, चलो काटते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, मैंने 6 से काटा है, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, 18, 19, 20, 26 और 48, 6 × 8 = 48। तो मैं बोलूंगा 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1% की वैल्यू 38 आ गई। अब अगर 1% की वैल्यू 38 आ गई है तो हम ये बोल सकते हैं भाई कि आपका जो 100% वोट पड़ा होगा वो हो जाएगा 3800। लेकिन ये 3800 कौन सा वोट है जो ए और बी को मिला है, मतलब दोनों को मिला है। इसमें एक बात और बोला गया था कि वो 5% क्या हो गए हैं, इनवैलिड हो गए हैं। तो मैं बोलूंगा कि अब या एक काम कर लो, देखो इस क्वेश्चन को ना इजिली ऐसे ही सॉल्व कर लो, हटाओ इसमें, एक लाइन में सॉल्व कर लो। देखो टोटल वोट मान लेते हैं एक्स है, अगर टोटल एक्स है तो 5% तुम्हारा क्या हो गया है, इनवैलिड। तो मैं बोलूंगा 95% आपका क्या है, वैलिड है। चलो यहां तक बात समझ में आ जा, यहां तक बात समझ में आ गया। अब ये भी पता है कि ये अगर वैलिड है तो इसी में से जीतने वाले को हारने वाले को दोनों मिला है, और मुझे पता है कि जो हार गया था उसे 38% मिला है, तो जो जीता होगा उसे 62% मिला होगा। तो दोनों में अंतर कितने का आ रहा था, 24% का अंतर आ रहा था, दोनों में अंतर कितने का है, 24% का अंतर है। तो अगर इन दोनों में अंतर 24% का है तो हम ये बोल सकते हैं ठीक है 24% का अंतर है। तो याद रहे जितना वोट मैं बोल रहा हूं, देखो जितना वोट पड़ा था अगर मैं इसका निकालूंगा 62% तो जीतने वाले को मिलेगा, अगर मैं निकालूंगा 38% तो हारने वाले को मिलेगा, और अगर मैं इसका 24% निकाल लूंगा तो मैं बोलूंगा भाई अगर इसका मैं 24% निकालता हूं तो क्या आएगा, हारने और जीतने वाले में अंतर, और हारने और जीतने वाले में अंतर तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में 912, तो ये बराबर हो जाएगा 912 के। ऐसे करने से क्या होगा, एक लाइन में आ जाएगा। अब काट लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और यही एक्स आपसे पूछ भी रहा है, तो जब मुझसे टोटल ही पूछ रहा है तो हम टोटल मान के चल दे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ कटने वाली चीज हो तो काट लो भाई। देखो अगर मैं बोलूं तो ये 100 100 है, ये 24 है, तो अभी मैंने इसको काटा भी था, 8 से काट लेते हैं, तो 8 से कटेगा 6 से, 4 से कटेगा, 4 × 6 = 24, 4 × 8 एक यहां चला गया, 4 × 8 = 3, 3 का मतलब 4 × 8 = 32, 6 से कटेगा, कटा था 6 × 6 और 6 से काटते हैं, 6 × 3 = 18 हो जाएगा, बचा 4 और 6 × 8 = 48, 8 हो जाएगा, और कुछ कटेगा 19 से कट जाएगा, 19 × 5 = 95, 19 × 2 = 38 हो जाएगा, और कुछ कटेगा तो चलो x लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × कितना, यहाँ 5 से काट लेते हैं, 20 हो जाएगा, और 20 वहाँ चला जाएगा, तो मैं बोलूँगा 5 × 5 = 20 हो जाएगा, और 20 × 2 = 40, तो 20 यहाँ गया, या पूरा पूरा लिख लो, 20 यहाँ गया, 2 पहले से बचा था, और x की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये वाला 100 भी ऊपर पहुँच जाएगा, तो मेरे ख्याल से 2 × 2 = 4 = 10, 20 और 4000 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, जल्दी से देख लो, 78 का 4000 ए में है, तो मतलब मैं बोलूंगा मेरा आंसर ए होना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ए पार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं तो यहां पर आपका ये सवाल बनता है ए पार्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बनता है ए पार्ट। चलो तो इसके आगे अभी और भी सवाल आपके बचे हुए हैं, इसमें अब DI का पोर्शन आ रहा है, तो अब इसके आगे जो सवाल होंगे उसमें आप आंसर से मिला लीजिएगा, समय कम है इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं, बाकी आप अपने आप से करिएगा और जितना भी हो पाता है हम लोग 2 घंटे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही है, और नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो अभी तक के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम पर मिलेंगे, आगे बात करेंगे, पढ़ते रहिए और खूब ढेर सारे सवाल लगाते रहिए, एक दूसरे से डिस्कस करते रहिए, नो डाउट इस साल आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए, गुड नाइट।